गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 13th of April 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से बताए गए होंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम दोनों न्यूज़पेपर से करने वाले हैं ताकि UPSC की प्रिपरेशन के अंदर कुछ भी हमसे छूटे ना। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है ADB प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP ग्रोथ इन 2024-25 at 7%। देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो ADB क्या होता है। ADB का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसने यहाँ पर 2024-25 के लिए इंडिया की जो GDP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसको यहाँ पर 7% के लिए फोरकास्ट किया है, भविष्यवाणी की है, एनालाइज करके किया है। ऐसा नहीं है कि बिना किसी वजह के ऐसे ही वो लोग किसी भी चीज़ को कोई पैमाना दे देते हैं, रेदर वो बहुत सारे डाटा को एनालाइज करते हैं और फिर यहाँ पर बाद में कोई फोरकास्ट निकालते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला है यहाँ पर जो ADB के डायरेक्टर जनरल है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, उन्होंने ये बात बोली है कि कैसे इंडिया जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उनका नाम है अब्दुल अबीद और वो कहते हैं कि इंडिया यहाँ पर 80% जो साउथ एशियन यहाँ पर GDP है कंट्रीज़ की, उसकी 80% इंडिया के पास है और इंडिया बहुत ही रिसिलियंट है। हालांकि हम देखते हैं कि पेंडेमिक के वक्त भी यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में नुकसान होता है, फिर यूक्रेन और जब हम देखते हैं रशिया की वॉर, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पूरे के पूरे वर्ल्ड पे, लेकिन इंडिया अपनी पोजीशनिंग बहुत अच्छे बनाए हुए है और अभी भी इंडिया स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, आप कहीं पर भी मेन्स के अंदर इसको यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम के ऊपर भी एक चैनल है UPSC स्प्रिंट के नाम से, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका क्या फ़ायदा होगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो? देखिए, सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको जितने भी आर्टिकल यहाँ डिस्कस किए जाते हैं उनके लिए प्रीलिम्स के नोट्स डेली बेसिस पे मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर। अब आप यहाँ पर जाएंगे तो जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं, सो दैट आपने वीडियो को मेरा सुन लिया है और उसके बाद आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत बाकी रहेगी नहीं। और साथ ही में आप जस्ट एक बार सोने से पहले रिवाइज कर सकते हो जो भी मैंने यहाँ पर नोट्स अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा जो भी आर्टिकल से रिलेटेड यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी आपने समझा है उससे जाके आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेलीग्राम के ग्रुप पे डालती हूँ। साथ ही में कोई मेन से रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी आपको मिलेंगे मेरी हैंडराइटिंग के अंदर, ताकि आपको पता चले कि मेंस के आंसर को कैसे फॉर्म करना है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी PPT का भी आपको PDF मिल जाता है, सो दैट अगर आप रिवाइज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, जो कि है कार टी सेल थेरेपी। फिलहाल के लिए ये टॉपिक जो है मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही में इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। हम दोनों के नज़रिए से इसको देखेंगे। सबसे पहले आर्टिकल क्या बोल रहा है उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कार टी सेल टेक्नोलॉजी या थेरेपी एक्चुअली में है क्या। आर्टिकल बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर नेक्स्ट कार 19 के नाम से यहाँ पर कैंसर केयर के लिए कार टी सेल थेरेपी को, जो इंडिया की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद में उनसे पूरा का पूरा सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसका कुछ खर्चा आता है, ये कैसे, क्या इसकी हिस्ट्री थी, अभी तक ये कैसे बना, उसको हम समझेंगे कुछ देर के बाद में। फिलहाल समझते हैं कि कैंसर सबसे पहले होता क्या है। देखिए, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कैंसर, कि कैंसर क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये एक ऐसी बीमारी है, डिजीज़ है, जो किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकती है। अब मैंने बहुत बार कैंसर के ऊपर पूरी PPT बना के आप लोगों को समझाया है कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग कैंसर हो सकते हैं बॉडी के अंदर में। जो सबसे खतरनाक होता है उसको हम जानते हैं मिटोसिस के नाम से, यानी कि वो एक ऐसा कैंसर है जो आपके किसी एक ऑर्गन में होगा और उसी से वो स्प्रेड होकर अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर भी चला जाएगा। फिलहाल के लिए समझते हैं कि बॉडी का एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है। मान लीजिए कि आप एक ह्यूमन बीइंग है, मेरी ड्राइंग के ऊपर ना जाइएगा, जस्ट समझिए कि एक ह्यूमन बीइंग है, राइट।
ये एक इंसान है जिसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं। क्या हमारी जो बेसिक यहाँ पर यूनिट होती है लाइफ की, वो क्या होती है? सेल होते हैं। इस सेल के अंदर हमने देखा कि एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर हम देख पाएंगे डीएनए को, और उस डीएनए के अंदर हमें पता है जीन होते हैं। डीएनए जो है वो बनता है क्रोमोसोम से। अब क्रोमोसोम कहाँ से मिलते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। क्रोमोसोम हमें मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। यहाँ पर 23 का पेयर होता है, 23 क्रोमोसोम हमें मिलते हैं मदर से, और 23 यहाँ पर मिलते हैं फादर से। टोटल हो जाते हैं 46। अब ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये कुछ इस प्रकार के, क्योंकि ये पेयर में होते हैं तो हम उनको इस शेप में देख पाते हैं। ये जो क्रोमोसोम है, इनमें से ही निकलता है डीएनए, और डीएनए क्योंकि डबल हेलिक्स है तो हमें पता है कि उसकी क्या है, डी ऑक्सी राइबो मोलिक्यूल होने की वजह से इसके ऊपर हम देख पाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे जीन होते हैं। जीन्स को हम यहाँ पर जीनोम भी बोल देते हैं। जीनोम का क्या मतलब होता है? जस्ट एक प्रोजेक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं साइंटिफिक यूनिट है, जिससे हम समझ पाए कि इसका काम क्या है। जीन्स का बेसिकली काम होता है आपके डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। आप कैसे दिखाई देते हो, आपका रंग क्या है बालों का, आंखों का क्या कलर है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है आपके जीन्स के अंदर में। फिलहाल एक यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से, जो कि करवाया गया था यूएसए के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी 1990s के दशक में, और ये ख़त्म होता है 2003 के अंदर। लगभग 15 सालों के बाद ये ख़त्म हुआ, और इसी से हमें रिसर्च करने से पता चला कि ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 30,000 यहाँ पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी जो है वो अलग अलग सेल से बनी हुई है। हमारे अंदर रेड ब्लड सेल भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, फिर कुछ स्टीम सेल्स होते हैं, जो किसी भी एरिया में अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर जाकर उन्हीं सेल्स का रूप ले लें। और जो सारे के सारे सेल होते हैं जो किसी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उन सभी को एक टर्म के अंदर, अम्ब्रेला टर्म के अंदर रखा जाता है, सोमेटिक सेल्स के अंदर। सोमेटिक का ही मतलब होता है बॉडी, यानी कि बॉडली। आप किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जब आप देख पाएंगे कि उसके अंदर सेल से बनी हुई है, तो आप मानेंगे कि ठीक है, वो क्या है, सोमेटिक सेल्स हैं। अब क्या होता है, अब इन सेल्स का काम होता है, या डीएनए का काम होता है एक सेल के अंदर, कि वो जो राइबोसोम होते हैं उनके पास में इन्फॉर्मेशन भेजे। और वो कैसे भेजेगा? देखिए, डीएनए किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस किसके अंदर है? सेल के अंदर है। डीएनए कभी भी सेल से बाहर नहीं आता है। डीएनए के अंदर हम आरएनए को भी यहाँ पर सेल के अंदर पाएंगे, देख पाएंगे, और आरएनए को डीएनए पहले मैसेज भेजता है। जब आरएनए सेल से बाहर निकलता है तो वो बन जाता है मैसेंजर आरएनए, और एमआरएनए बनने के बाद ये जाता है राइबोसोम के पास, और उनको बोलता है कि डीएनए ने ये आपको कहने को कहा है, ये प्रोटीन बना दीजिए। अब इस पूरे के पूरे टर्म को जब ये ट्रांजिशन कह रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैसेज को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहा है। राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं गोल्गी बॉडीज़ के ऊपर हम इनको देख पाएंगे, और उनमें से सिर्फ इनका काम यही है ईआर के ऊपर जाकर प्रोटीन का निर्माण करना, ताकि बॉडी में जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सारी फुलफिल होती रहे। अब हम समझ गए हैं कि ये होता है पूरा का पूरा फंक्शन, जैसे बॉडी काम करती है। अब इसी के में जब कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, क्या गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए डीएनए ने एक प्रोटीन बोला। एक सेल के यूजुअल जो जीवन होता है वो 120 दिनों का होता है, यानी कि एक सेल जो कि बनता है बोन मैरो के अंदर, वो यहाँ पर 4 से 5 दिन के अंदर अपने बहुत ही मैं बोलूँगी चाइल्डहुड फेज में रहेगा, यानी कि वो अपनी जो जगह है उससे बाहर नहीं निकलेगा। 5 से 6 से 8 दिनों के अंदर फिर वो वहाँ से बाहर जाएगा, पूरा मैच्योर होने के बाद में वो काम करेगा, और 120 डेज़ के बाद में उसकी डेथ हो जाएगी। अब ये कौन बताएगा कि कितने सेल की कहाँ ज़रूरत है? ऑब्वियसली डीएनए बताएगा, सबका हेड कौन है? डीएनए है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉडी का जो फंक्शन है वो बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद क्या होता है कि जितने सेल यहाँ पर बनने चाहिए थे उनसे ज़्यादा मात्रा में सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि ये सेल ज़्यादा बन रहे हैं तो एक दूसरे के साथ में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं तो इस प्रकार से ये एक बड़ा सा अपना स्पेस बना लेते हैं, जिसको नाम से जाना जाता है ट्यूमर।
ज़रूरी नहीं है कि ट्यूमर जो हो वो कैंसर भी हो, लेकिन हाँ हर कैंसर ट्यूमर एक ना एक समय पे ज़रूर रहता ही है। सो ट्यूमर के बाद में जब इनका कंट्रोल ओवरऑल फिर से गुम हो जाता है और जो सेल है वो अपने आप को बहुत स्पीडली रेप्लिकेट करते हैं, और वो भी यहाँ पर हम देखेंगे कि उनके ऊपर एक अलग प्रोटीन आ जाता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, कैंसर को प्रमोट कर रहा है, और ये फिर बॉडी के लिए ही हार्मफुल होने लग जाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आपको अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अति कर दी है, बहुत ज़्यादा उसको मैक्सिमाइज कर दिया है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट करती है। फिलहाल के लिए अब आप लोग कैंसर को भी समझ चुके हैं, बॉडी के पूरे फंक्शन को भी समझ चुके हैं, अब हम देखेंगे कैंसर के इलाज को। आज तक हमें पता था कैंसर का इलाज होता था यहाँ पर केमो जैसी थेरेपी से। अब केमोथेरेपी जो होती थी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती थी। क्यों होती थी पेनफुल? क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता था, लेजर से रेडिएशन डाली जा रही हैं जिसकी वजह से स्किन जलने लग जाती थी, जो हेयर्स हैं उनको काट दिया जाता था अगर ब्रेन के आसपास कैंसर है तो, या वो वैसे ही झड़ने लग जाते थे केमो की वजह से। तो इसी वजह से केमोथेरेपी से लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। काट टी सेल जो थेरेपी है वो इससे कंपैरिजन के अंदर बहुत ही आसान है। कैसे है आसान? इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो जो भी ह्यूमन बीइंग है जिसको भी कैंसर का पता चल गया है उसकी बॉडी से कैंसर को निकाला जाता है। उसके बाद उस कैंसर के जो सेल, कैंसर को नहीं एक्चुअली ब्लड को निकाला जाता है, और उस ब्लड के अंदर होते हैं टी सेल। अब ये टी सेल क्या है, चलिए समझते हैं। टी सेल थेरेपी है ना ये, तो टी सेल का सीधा सीधा मतलब होता है आपकी वाइट ब्लड सेल्स। ये एक प्रकार के सेल हैं जो कि आपके व्हाइट ब्लड सेल में मिलते हैं, और इसका काम भी होता है इम्यूनिटी को बॉडी के अंदर रखना, यानी कि डिफेंस सिस्टम है आपका। उनको बाहर निकालेंगे और उसके ऊपर एक कैमरिन एंटीजन रिसेप्टर लगाया जाएगा। अब कार का क्या फुल फॉर्म है? कैमरिक एंटीजन रिसेप्टर। हमें दो वर्ड्स को आपको यहाँ पर जानना चाहिए, एक होता है पैथोजन और दूसरा होता है एंटीजन्स। देखिए पैथोजन्स जो होते हैं उनका काम होता है यहाँ पर बीमारी को फैलाना, डिजीज़ को देना, और जब हम बात करते हैं एंटीजेंट्स की तो इनका काम होता है किल टू द डिजीज़। अब इनका क्या काम है कि इनको डिजीज़ को या बीमारी को ख़त्म करना है, इसीलिए इसके ऊपर एक प्रोटीन लगाया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको, और उसी को बोला जाता है कार, यानी कि किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। इसी के बाद में ये जो कार टी सेल है इनको मिलियंस ऑफ कार टी सेल्स में बनाया जाता है, लैब्स के अंदर इनके ऊपर ये पूरा का पूरा काम होता है, और जस्ट जैसे ब्लड को निकाला था वैसे ही उस ब्लड को यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज करके वापस से उनके अंदर डाल दिया जाता है। अब इससे क्या होगा कि हमने पहले ही उसमें एक ऐसा प्रोटीन डाल दिया है आप ही के खुद के ब्लड सेल्स के अंदर, वाइट ब्लड जो सेल्स है, कि वो जाएंगे और कैंसर जितना भी है उनको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। अब देखिए ये तो काफ़ी आसान लग रहा है, इसमें कोई रेडिएशन दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी ये है। 2013 में सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस होती है यूएसए के अंदर, लेकिन इसका जो खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा था, 3 से 4 करोड़ रुपए यहाँ पर अगर एक इंसान करवाना चाहता है इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने कैंसर से बीमारी का इलाज, तो उसको क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। लेकिन इंडिया में अभी ये यहाँ पर 2015 के अंदर सबसे पहले इसको डेवलप किया जाता है, शुरुआत होती है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के अंदर यहाँ पर एक प्रोफेसर काम कर रहे थे राहुल परवार, और उन्हीं के साथ में अलका द्विवेदी, ये दोनों मिलकर इस थेरेपी पे फोकस करते हैं। अलका जी जो है वो हार्वर्ड से पढ़कर आई हैं, ऑब्वियसली यूएस में पहले ये इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, लेकिन इसी का नाम हमारे इंडिया में रखा जाता है नेक्स्ट कार 19। अब नेक्स्ट कार जो 19 है ये क्या है, यही टेक्नोलॉजी है जो मैंने अभी आपको समझाई, इसी टेक्नोलॉजी का फिलहाल इंडिया में जो खर्चा है वो हो गया 30 से 40 लाख रुपए। तो कहां हम बात कर रहे हैं 3 से 4 करोड़ की, और कहां हम बात कर रहे हैं 30 से 40 लाख की। हालांकि अभी भी इसको कम करने की कोशिश पूरी पूरी की जा रही है। आई होप आप इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ गए होंगे एनेक्डोट्स की वजह से, एग्जांपल्स की वजह से, कि अब आप इसको भूलेंगे नहीं। सो याद रखिएगा टर्म्स को, बस आपको याद रखना है, तोड़ तोड़ के देखना है। टी से आप समझ जाएंगे व्हाइट ब्लड सेल्स की हम बात कर रहे हैं, सेल थेरेपी है तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर सेल की बात हो रही है, और कार से हम देखेंगे रिसेप्टर, ए से एंटीजन, और सी से हमें पता है चिमेरिक होता है। देखिए
बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड हम देखते हैं 2023 के मेंस में भी एक सवाल आया हुआ था। हालांकि वो जो था वो डायरेक्टली इस पे डायरेक्टली नहीं था, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर सबसे पहले 2023 में ही इसके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो पूरे होते हैं, और अभी ये न्यूज़ में ज़्यादा आ रही है 2024 के अंदर और 2023 के नवंबर से। इसी वजह से इस पर पूरी संभावना है कि मेंस में भी सवाल आ जाए और प्रीलिम्स में भी सवाल आ जाए। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि इसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें देखने को मिला था कि कैसे यहाँ पर जो 2023 का मेंस का क्वेश्चन है, जो कि अगेन डीएनए से मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ही था, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। किस आर्टिकल के लिए, किस टॉपिक के लिए हमारा आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर भी हम देखेंगे साइंस एंड टेक के पोर्शन में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि साइंस एंड टेक भी यहाँ पर 7 कैटेगरीज में बटा हुआ है, जिसमें हम स्पेस को देख पाते हैं, जिसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी को देख पाते हैं, जिसमें हम डीएनए वगैरह को देख पाएंगे, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बायोटेक ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इसके अंदर। फिलहाल के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन है जीएस पेपर 3 से। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल यहाँ पर आता है एनवायरमेंट में, क्योंकि जीएस पेपर 3 में हम देखते हैं इकोनॉमी को, एनवायरमेंट को, साइंस एंड टेक को, डिजास्टर मैनेजमेंट को, और ऐसे ही एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, उनमें से एनवायरमेंट में ये आता है। अब देखिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी मैं यहाँ पर शुरुआत में ही लेकर आई हूँ। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? हमें पता है प्रीलिम्स में 19 से 20 क्वेश्चन हर साल यहाँ पर एनवायरमेंट से पूछे जाते हैं। सो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर की न्यूज़ होती है वो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर, आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से, चलिए स्टार्ट करते हैं क्या आर्टिकल बोलता है। आर्टिकल बात कर रहा है चीतल इन अंडमान्स। अब चीतल क्या होता है? एक हिरन की प्रजाति है जिसका नाम है चीतल। इस तरीके का ये दिखाई देता है। आप देखेंगे कि इसके सर के ऊपर बहुत सारे जो हॉर्न है, इसका जो सिंग लगे हुए हैं वो थोड़े से ज़्यादा हम देख पाएंगे कि ऐसे कटावदार हैं। ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इसके बॉडी के ऊपर स्पॉट्स हैं, वाइट कलर के धब्बे होते हैं, और ये वैसे तो इंडिया में काफ़ी जगह पे मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंडमान के अंदर ही मिलेगा, नहीं, इंडिया के हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सेंट्रल इंडिया है उसमें ये ऑब्वियसली काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से इनका जो स्टेटस भी है ICUCN के अंदर वो भी काफ़ी ठीक है। क्या है? लिस्ट कंसर्न। तो लिस्ट कंसर्न का मतलब होता है कि इनके ऊपर चिंता की कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अंडमान के अंदर इनकी थोड़ी सी स्टोरी गड़बड़ा जाती है। क्यों गड़बड़ा जाती है? इनको अंडमान में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यूजुअली जब हम किसी भी टॉपिक पे यहाँ पर बातें करते हैं, किसी भी स्पीशी की बात करते हो, तो इंडिया में बात होती है उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कि उनके संरक्षण से रिलेटेड। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो ये चीतल है, ये एक्चुअली में खुद तो कंजर्व है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। और इसी वजह से अंडमान के अंदर जो एक निकोबार अंडमान आइलैंड है हमारा, उसके अंदर इसको जाना जा रहा है इन्वेसिव स्पीशीज़ के नाम से। अब ये इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होती है, चलिए इसको समझते हैं। ये कंसेप्ट हैं छोटे छोटे से जो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं कि यहाँ पर एक कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से डेफिनेशन दी गई है IAS। IAS यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात नहीं हो रही है, IAS से यहाँ पर एनवायरमेंट में अभिप्राय है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। उनके अकॉर्डिंग बोला गया है कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो उनके नेचुरल हैबिटेट से यहाँ पर बाहर निकाल कर इंट्रोड्यूस की जाती है, और उसके बाद जहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ पर वो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए खतरा बन जाती है, थ्रेट बन जाती है। ये है पूरी की पूरी डेफिनेशन। इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म को देता है। अब ये बताता है, इसकी जो फुल फॉर्म है थोड़ी सी नैरो है, इतनी ज़्यादा वाइड हम नहीं देख पाएंगे, सटीकता इसलिए इसमें कम है, ऐसा कुछ क्रिटिक्स का भी बोलना है। ये जो एक्ट है इसमें 2022 में अमेंडमेंट भी होता है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो याद रखनी चाहिए। देखिए, एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेसिव स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो इंडिया की नेटिव नहीं है, यानी कि इंडिया के अंदर वो लोग यहाँ पर नहीं होती थी, उनको बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसी वजह से वो जो खतरा पैदा कर देती है जहाँ पर वो इंट्रोड्यूस हुई है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी की सभी एलियन जो स्पीशीज़ होंगी वो इन्वेसिव भी हो। इन्वेसिव का ही सीधा सीधा मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, खतरा पैदा कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। इन्वेजन आप सोच सकते हो कि अटैक करने वाला, लेकिन हर एलियन
एलियन स्पीशीज इन्वेसिव नहीं होती है, लेकिन हर इन्वेसिव स्पीशीज एलियन जरूर होती है। तो ये एक सवाल की स्टेटमेंट होती है आपके प्रिलिम्स के लिए। खैर, अभी हम देखते हैं कि ये जो चीतल है अंडमान के अंदर, इनको यहाँ पर 19वीं सदी के अंदर ब्रिटिश जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद से ये वहाँ पर फले फूलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये वेजिटेरियन है और वहाँ की सीड्स एंड प्लांट्स को खाते ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से अब लगभग 20 साल के डाटा को अगर निकाला जाए तो हमें पता चलता है कि इनका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ की जो प्लांटिस हैं उन सब के ऊपर। तो प्लांटेशन के ऊपर भी हम फर्क देख पाएंगे, जो पेड़ पौधे उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे कि इनकी वजह से बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की जो गायब हो रही हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स की भी बात कर लेते हैं, इसको तो हम समझ चुके हैं, लेकिन कुछ और ऐसी न्यूज़ के अंदर यहाँ पर स्पीशीज़ हैं जो बार बार आती रहती हैं और जिनसे प्रिलिम्स का सवाल बिल्कुल बन सकता है। उन्हीं में से एक को हम देखते हैं जिसका नाम है रेड पिराना। रेड पिराना जो है वो एक्चुअली में रेड बिलियर्ड पिराना है। अब ये क्या है? पिराना आप लोगों को पता होगा कि एक मछली का नाम होता है। अब ये पिराना इतनी खतरनाक होती हैं कि ये एक्चुअली में ह्यूमंस जब जाते हैं तो उनके भी ब्लड से अट्रैक्ट होती है और उनको भी यहाँ पर खाना चाहती है। सो ये जो है इनको हम देख पाते हैं कि इंडिया के अंदर ये रहती हैं और इंडिया के अंदर ये यहाँ पर आती हैं जर्मनी से, अफ्रीका से भी ऐसी बहुत सारी टर्टल के रूप में और यहाँ पर हम देख पाएंगे मछलियों के रूप में आती हैं। और ये क्या करती है? वहाँ की जो नेटिव मछलियाँ उनको आके खाना शुरू कर देती है या फिर उनको उनके जगह से भगा देती हैं डरा कर। ओबियसली अगर आप किसी को खाओगे तो धीरे धीरे वो क्या होगी, पॉपुलेशन उनकी घट जाएगी। इसी में से एक एग्जाम्पल हम देख पाएंगे रेड ईयर स्लाइडर का। अब ये जो रेड ईयर है यानी कि कान जिसका लाल होता है और इसका नाम है स्लाइडर। स्लाइडर क्या है? कछुआ है। तो इसको यूजुअली हम देख पाते हैं कि क्या होता था, जो यहाँ पर एक्वायरम रखना चाहते हैं। एक्वायरम क्या होता है कि घर के अंदर आप एक आर्टिफिशियल पानी के तालाब जैसा छोटा सा आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से एक माहौल बना देते हो, जो कि कांच के अंदर भी हो सकता है, ग्लास का वो बना हो सकता है, या फिर आप ब्यूटी बढ़ाने के लिए, एस्थेटिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हो। जब बहुत बार इनको पाला नहीं जाता है तो इनको फ्रेश वाटर के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हार्म करते हैं जो वहाँ की नेटिव स्पीशीज़ होती हैं। इसके अलावा थर्ड हम ऑलरेडी यहाँ पर देख पाते हैं चीतल को। तो ये सारी की सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो नेटिव स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाती हैं। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है? देखिए, सितंबर 2023 के अंदर ही यूएन की यहाँ पर जो गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस के लिए, तो यूएन क्या है, यूनाइटेड नेशन, और उन्होंने इसको फाउंड किया और उनके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जो इन्वेसिव स्पीशीज़ होती हैं वो लगभग यहाँ पर 37,000 से ज़्यादा ऐसी एलियन स्पीशीज़ है जिनका इंट्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड अलग अलग जगहों पर हो चुका है, और उन्हीं की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके ऊपर लगभग यहाँ पर $4-3 billion का, अगर हम बात करें पूरा का पूरा मिला के, तो इकोनॉमिक कोस्ट आती, इतना खर्चा होता। और इसी की वजह से जो वहाँ पर नेटिव है उनको भी है, क्योंकि खा जा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो उसका जो खर्च होता है, उसका जो नुकसान होता है, वो भी यहाँ पर मायने रखता है। सो ओवरऑल अब हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक नुकसान इससे हो रहा है, एनवायरमेंटल इससे नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का ये नुकसान कर रहे हैं। इसी वजह से जितना हो सके इन्वेसिव एलियन स्पीशीज़ को दूर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्टेटस ऑफ वल्लूर वाचिज ओवर बैटल फॉर अहोम पीरियड इन झोरघाट। देखिए, कुछ छोटे छोटे से नोट्स यहाँ पर अभी इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल हमारे काम आता है GS पेपर 1 में, मेंस की अगर बात करें तो, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसी के अलावा हम देख पाते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी इसकी सिग्निफिकेंस है। साथ ही में क्योंकि ये अभी अभी एक ऐसी हिस्ट्री की तरफ हमारा ध्यान खींच रहा है जो कि बहुत ज़्यादा मेन लाइन के अंदर, मेन फील्ड के अंदर नहीं पढ़ाई जाती है, मेन स्ट्रीम में इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसके पूरे पूरे चांस हो जाते हैं कि ये प्रिलिम्स इधर 2024 या फिर 2025 के लिए क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। बहुत योग ऐसा टॉपिक है। बात हो रही है यहाँ पर असम के एक बहुत ही योद्धा की, बहादुर योद्धा की, जो कि हम देख पाते हैं कि अहोम किंगडम की तरफ से लड़ाई लड़ता है। 1968 और 69 की ये लड़ाई होती है, मुगलों के खिलाफ में इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये अहोम के राजाओं को जितवा देता है।
उन्हीं की खुशी में, उन्हीं की याद के अंदर एक पार्क है यहाँ पर असम के अंदर, जिसके अंदर हम देख पाते हैं 125 फुट का इनका स्टैचू लगाया गया है। इनका नाम है लचित बोरफा कुन, जो कि अहोम जर्नल होते थे। सरायघाट की लड़ाई में भी ये लड़ते हैं 1671 के अंदर मुगल आर्मी के खिलाफ में। और हम देख पाते हैं कि कैसे इनको यहाँ पर याद किया जा रहा है। फिलहाल अदर जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो बात कर रहा है पॉलिटिक्स की, जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया है। तो चलिए एक बार बहुत क्रिप्स से मैनर के अंदर हम देखते हैं कि क्या अहोम्स की हिस्ट्री है, और ये अहोम्स का और मुगल्स का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। क्योंकि मुझे पूरा पूरा लगता है कि मेंस के अंदर बिल्कुल ये एक ऐसा योग्य सवाल है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अहोम कौन थे। अहोम जो थे वो एक्चुअली में इंडिया के अंदर सबसे पहले आते हैं 1228 के अंदर। 1228 में ये आ रहे थे चाइना से ये आते हैं, और उसके बाद लगातार 1708 तक हम देखते हैं कि यहाँ पर रूल करते रहेंगे, अपना एक्सपेंशन जो है वो समय समय पर करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल ये सबसे पहले हम देख पाते हैं कि यहाँ पर चाइना से होते हुए 1228 का पीरियड था उसके अंदर आते हैं। इनको जो फाउंडेशन की गई थी वो की गई थी सुकप्पा के द्वारा, जो कि यहाँ के पहले किंग भी बनते हैं। 1268 से 1281 तक उनके ही अंडर में यहाँ पर एक्सपेंशन किया जाता है, उनके बेटे आ जाते हैं जो कि सुवत्तुपा था, और वो क्या करते हैं अपने किंगडम को बढ़ाते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1488 से 1493 तक आते हैं टोंगा नागस, जो कि यहाँ पर वेसलाइज करते हैं लोगों को, और 1512 से 1524 तक आते हैं चुहगियाज कनकर्ड, तो चुहगियाज भी यहाँ पर आते हैं। फिर वॉर्स होती हैं कचरीज एंड चुहगियाज के अंदर में, तो ये क्या है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, अलग अलग किंगडम उनके डिस्टेंस के साथ में, मैप के साथ में हम इसको देखेंगे। अभी के लिए जस्ट हम एक बार टाइमलाइन की तरफ नज़र गड़ाए अपनी रखते हैं, सो दैट हम कुछ भी मिस ना करें। 1526 से 1536 तक हम देखते हैं लोअर डांसिली और जो कपाली वैली है उसको एनेक्स्ट कर लिया जाता है यहाँ पर अहोम किंगडम्स के द्वारा। उसके अलावा 1639 में दारंग ट्रीटी ऑफ असरंग अली होती है। 1682 के अंदर कामरूप में हम देख पाते हैं कि अहोम्स पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक साइट होती है मुगल्स के लिए भी, बंगाल के जो गवर्नर हैं उनके लिए भी, असम की एक इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है, और यहाँ पर बैटल ऑफ इत्ताखुली होती है। 1708 के अंदर काचारी और जांतिया जो है उनको भी क्या कर लिया जाता है, वेसलाइज कर लिया जाता है, यानी कि अपने अंडर में उनको ले आते हैं। जांतिया किंगडम जो है उसकी लोकेशन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे है कचारी किंगडम, जो कि 1700 के समय तक आते आते अहोम्स के अंडर में हो जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे चुहितिया किंगडम को, उसके अलग हम देखेंगे धानसीली, कोपाली, तोंगसा नागस वेगल, ये सब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अहोम यहाँ पर इनको वेसलाइज्ड बना लेते हैं, अपने अंडर बना लेते हैं और दूसरी जगहों पर जीत जाते हैं। कैपिटल जो है शुरुआत में 1253 से 1397 तक इनकी रहती है चालरी दियो। 1397 से 1497 तक इनकी कैपिटल बदल जाती है, जो कि बनती है चारागुआ। अब चारागुआ के बाद में फिर से कैपिटल बदलती है, जो कि आती है गरहुआ गांव। अब क्यों इतनी कैपिटल्स बदल रही है, क्योंकि एक जगह से आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो तो अब आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठा रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इधर भी अपनी पावर को कंट्रोल कर सको, इधर भी कर सको, अदरवाइज जो आपने जीता है वो आपसे छूट सकता है। लैंग्वेज जो इनकी है हम देखते हैं 1600 सदी तक यहाँ पर ताई अहोम नाम की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि थोड़ी थोड़ी तुर्किश से मिलती थी, लेकिन 1526 से लेके फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बन जाती है टोटली असमीज़। तो आज के समय पे भी यहाँ पे जो वंशज हैं वो अहोम्स के असम के अंदर रहते हैं। इतनी सिटी की बात करें तो ताई अहोम इनकी इतनी सिटी थी। रिलीजन पहले जो रिलीजन मानते थे स्टार्टिंग से ही क्या मान रहे थे, हिंदुइज्म को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और हिंदुइज्म को ये ज्यादातर मानते थे। अब हम चलते हैं कि कैसे अहोम और मुगल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सबसे पहले तीन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होंगे। पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है 1615 के अंदर, फिर हम देखते हैं 1636 से 1658 तक सेकंड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चलता है, यानी कि थोड़ी सी लड़ाई रहती है दोनों के बीच में। फिर इन्वेजन ऑफ मीर जुमला यहाँ पर आते हैं, जो कि गवर्नर थे बंगाल के और मुगल्स के अंडर ये काम करते थे। हम देखेंगे कि इस समय पे जब 1615 की बात हो रही है तो यहाँ पर अकबर एज अ
किंग बैठे हुए थे और वो चाहते थे कि अहोम किंगडम को हम अपने अंडर ले आए। 1636 और 1658 की बात करें तो हम देख पाएंगे यहाँ पर जहांगीर और शाहजहाँ दोनों को ही, और उसके अलावा जब बैटल होती है सराय घाट की, जो कि होती है 1669 से लेकर 71 तक की, इसमें आ जाते हैं औरंगजेब। तो ये थी पूरी की पूरी मुगल हिस्ट्री, और मुगल हिस्ट्री में हमें पता है सबसे ज़्यादा जो कंसोलिडेशन किया जाता है पूरे के पूरे भारत के ऊपर कब्जा किया जाता है, वो किया जाता है औरंगजेब के समय में, क्योंकि बाबर के समय में दिल्ली और जो इधर का नॉर्थ वेस्टर्न का हिस्सा था वो मुगल्स के अंडर आता है। फिर जब आते हैं यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे हुमायूं, तो वो वैसे ही ज़्यादा कुछ एक्सपेंशन कर नहीं पाते हैं। उसके बाद आते हैं अकबर, वो काफ़ी मिडल जो सेंट्रल इंडिया है उस तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जहांगीर और शाहजहां को, जो कि ठीक ठाक एक्सपेंशन करते हैं, और फिर आते हैं औरंगजेब, जो काफ़ी मात्रा में पूरा का पूरा जो दक्कन है उसको अपने अंडर ले आते हैं। इवन साउथ इंडिया की भी स्टेट्स को वो अपना वेसल बना लेते हैं, तो पूरा का पूरा जो भारत है वो एकदम से उनके अंदर आ जाता है सिवाय अहोम किंगडम के। अब यही बात उनको सहन नहीं होती है, इसी वजह से वो मीर जुमला को भी यहाँ भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम भी और उनके ऊपर हमला करो, मुझे किसी भी रूप में वो अपने अंडर चाहिए है। फिर यहाँ पर जो थर्ड बैटल है, जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा रोल है सराय घाट के अंदर, हम लुसेंट बुरखा खान का, उसको भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। रॉयल जो सिंबल होता है यहाँ पर अहोम डायनेस्टी का, वो है ये, आप देख पाएंगे यहाँ पर। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट एम्पायर 17वीं शताब्दी के अंदर, हम देख लेते हैं कि अहोम किंगडम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर भूटान के आधे हिस्से तक पहुँच चुका है। इसी के नीचे है कचारी किंगडम, जिस जो कि वेसल बन चुके हैं इनके। इसके नीचे हम देख पाएंगे मणिपुरी किंगडम को यहाँ पर। इसी के इधर है जांतिया किंगडम, जो अगेन वेसल है अहोम किंगडम के, यानी कि वो स्वतंत्र तो है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर राज्य नहीं कर रहे हैं, राज वो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सब्सिडरी है। कह रहे हैं कि अहोम्स की हमने पावर को मान लिया है लेकिन हम अपना राज खुद करेंगे। तो ये है जांतिया और कचारी किंगडम। इसी के साइड में हम देख पाएंगे कोच किंगडम को, यहाँ पर है कोच, और यहाँ तक पहुँच चुके हैं मुगल्स का एम्पायर। तो ये 17वीं सदी का पूरा हमने मैप अभी के लिए समझ लिया है। मैथ के सारे पूरी के पूरी इनको देखेंगे, ताकि प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी चीज़ को हम भूलें ना, और मेंस के लिए भी इसमें अगर मैप बनाना पड़े, लिखना पड़े, तो हम लोग तैयार रहें। बैकग्राउंड की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मुगल एम्पायर जो है वो सिक्किम से, यहाँ पर सिक्किम है, उसके आसपास में पहुँच ही चुका था 1715 तक यहाँ पर। और यहाँ पर है कोच एम्पायर, और यहाँ पर है वेस्टर्न कोच, ईस्टर्न कोस्ट। नीचे ऊपर हमें पता है अहोम किंगडम है, यहाँ पर हमें पता है कि कोचारी और जो ये अदर किंगडम है ये यहाँ पर राज कर रहे हैं। सबसे पहले कोच जो किंगडम है वो 1587 तक है, किंग नारा नारायण यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इसके राजा हैं। वेस्ट कोच जो किंगडम है उसके राजा है प्रशिष्टिक नारायण, तो ये अलग अलग भागों में एक ही को बांटा गया है, राजा इनके अलग अलग हैं। ईस्ट कोच किंगडम के राजा बनती है लक्ष्मी नारायण, और दोनों ही क्योंकि यहाँ पर भाई बहन दिखाई देते हैं नारायण, इनके सरनेम आप देख पाएंगे, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ये किंगडम भली भांति आराम से अपना राज्य चला रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक समय के बाद में जाकर राइवलरी हो जाती है, यानी कि राज को लेकर कोई कहता है कि मेरा पूरा का पूरे हिस्से पे यहाँ पर अधिकार होना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए। तो ये एक राइवलरी इनके बीच में पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो ईस्ट कुच है वो क्या करता है, मुगल से यहाँ पर मदद मांगता है, कहता है कि मुगल्स आप लोग यहाँ पर आइए और हमें क्या कीजिए, इनसे मुक्त करा दीजिए, या फिर मुझे पूरा राजा बना दीजिए, मैं आपकी जो वेसल है वो बन जाऊँगा, आपको यहाँ पर पूरा का पूरा महान मान लूंगा। ये सारी चीज़ें होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मुगल एम्पायर देखता है कि ठीक है, ये एक ऐसा हिस्सा है जो कि अगर मुगल एम्पायर में मिलेगा तो मुगल्स का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो क्यों ना इनकी तरफ बढ़ा जाए। शुरुआत इसी तरफ से होती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बीच में अब ईस्ट कुछ किंगडम और वेस्ट कुछ किंगडम के ऊपर की पूरी स्टोरी है, अहोम किंगडम का इनसे कोई रास्ता या हम देखेंगे नाता नहीं है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो इस तरीके से इनके बीच में से बह रही है, ऊपर से आ रही है संकोच रिवर, नीचे से जा रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर, यही जो टेरिटरी है इन दोनों की दिखा रही है। आगे जो मुगल्स हैं वो वेस्ट कुछ के ऊपर यहाँ पर हमला कर देते हैं, क्योंकि ईस्ट कुछ ने उनको बुलाया था, तो वेस्ट
ऊपर उनका हमला होता है। नदी के सहारे सारे मुगल्स यहाँ पर आते हैं, डुबरी के अंदर सबसे पहले वो हमला करते हैं और उसके ऊपर मुगल्स की जो अलाई थी लक्ष्मी नारायण, अब इन्होंने क्योंकि इनको बुलावा भेजा था तो वो इनके साथ संधि कर रही हैं और मुगल्स यहाँ पर डुबरी के अंदर अली कुली खान के अंदर में यहाँ पर जाकर हमला कर देते हैं। डुबरी को कैप्चर कर लिया जाता है मुगल्स के द्वारा और ये जो पूरा का पूरा वेस्ट कुछ किंगडम है इसके ऊपर ऑक्यूपेशन हो जाता है। बिल्कुल संवैधानिक, उस समय पे संविधान तो नहीं होता था लेकिन लीगल रूप से और जो वॉर के कानून होते थे उनके रूप से मुगल्स का। अभी जो यहाँ के राजा थे प्राकृतिक नारायण, उनको जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और जो बाली नारायण थे जो कि प्राकृतिक के भाई थे वो अहोम्स के पास जाकर रिफ्यूज ले लेते हैं। अब आप सोच के देखिए कि एक ऐसा एम्परर 1615 में जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है वो कह रहा है कि उसके खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता, हमें पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा चाहिए और उन्हीं के जीते हुए एक स्थान से एक रिफ्यूजी, एक बंधक जो था वो भाग निकलता है और निकल कर रिफ्यूज लेता है अहोम्स के अंदर। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आ बैल मुझे मार, डायरेक्टली अहोम्स ने क्योंकि उसको रिफ्यूज ही दे दिया तो अब क्या हो गया, अहोम्स में यहाँ पर मुगल्स के क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं और यहीं से इनकी स्टोरी शुरू होती है लड़ाई की। हम देखते हैं कि कैसे प्रताप सिन्हा जो थे उस समय पे अहोम डायनेस्टी के राजा थे वो यहाँ पर बाली नारायण के साथ में अलायंस बना लेते हैं, कहते हैं ठीक है तुम यहाँ पर रहो, थोड़ा खाओ पियो, अपने जो थकान है उसको उतारो, उसके बाद में जो तुम्हें अपना राज्य वापस चाहिए है उसके बारे में हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन होने के बाद में आप ही सोचिए कि ये मुगल्स के पास में भी जा रहा होगा, अली कुली खान जो इनको मारने के लिए आ रहा है उसके पास भी ये सारी बातें जा रही हैं, तो उनको धीरे धीरे बहुत गुस्सा आ रहा है और इवन यही बातें जा रही हैं मुगल एम्परर के पास में भी, तो उनके गुस्से का लेवल तो और बढ़ रहा है। अब उनको लग रहा है कि ये हमें चुनौती क्यों दे रहे हैं, तो छोटा सा किंगडम इतना बड़ा भी नहीं है अगर कंपेयर किया जाए मुगल्स के साथ में, तो उनको यहाँ पर बीच में से जलन पैदा हो रही है। सबसे पहला अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट इसी के रिजल्ट की तरह निकल कर सामने आता है। मुगल्स जो है वो ब्राजापुर और हजो की तरफ, यहाँ पर देखिए ये है जो मानस और ये है हजो, यहाँ पर ये अहोम किंगडम के अंदर ही आता था, वहाँ तक चले जाते हैं डुबरी से। अब डुबरी क्योंकि हमने लोकेशन देख ली थी कि ये आता था वेस्ट, हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और उसी के बाद में यहाँ पर जो मानस रिवर है उसको क्रॉस करते हुए ब्रह्मपुत्र के सारे या हजो तक जाते हैं और वहाँ पर अपना स्थापित्व जो है उसको डाल लेते हैं। अब इससे क्या होगा, अब इससे अहोम जो किंगडम है वो वैसे ही गुस्से में है कि हमारे जो पड़ोसी थे उनके साथ इतना गलत किया गया, विश्वासघात हुआ, तो वो भी इनके साथ लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर जो मुगल्स है वो बर्जापुर और हजो है जो है जो कि सैयद बकर के अंदर उस टाइम पे होता था और जमाल खान के अंदर होता था, उनको क्या कर देता है, अपने अंदर से भगा देता है, कहता है निकलो यहाँ से, अब यहाँ पर किसका राज है, मुगल्स का राज है। मुगल फिर से एडवांस करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और वापस से वो क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर ही हम इस एरिया में देख पाते हैं ईस्ट कुछ को, तो वो ईस्ट कुछ से निकलकर हजो से होते हुए एडवांस करते हैं अहोम किंगडम की तरफ। मुगल्स जो है वो अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं हजो को और कहते हैं कि अब यहीं से हम पूरी की पूरी लड़ाई करेंगे और इनको अहोम्स की क्या औकात है हमारे सामने, इनको मार डालेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ उस समय पे सोचा होगा। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट होता है 1615 के अंदर। कजाली जो थी वो हम देखते हैं अहोम डायनेस्टी के ऑक्यूपेशन के अंदर था। यहाँ पर अब आप देखिए अजो से आगे निकलकर कजाली एक एरिया आता है जो कि अहोम्स के अंडर होता था। सबसे पहले मुगल्स की आर्मी कजाली के ऊपर कब्जा करती है, उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवी के सहारे सहारे होते हुए और फिर वो जाते हैं काला बोर की तरफ। अब काला बोर क्या होता था, उस समय पर एक फोर्ट होता था, ऊपर ही है साला फोर्ट और नीचे है कालाबोर फोर्ट, यानी कि महल होते थे। और देखिए पहले क्या होता था ना, अगर आपको किसी चीज़ को जीतना है तो आपको फोर्ट जीतने होते थे, फोर्ट जो बनाए जाते थे वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली बनाए जाते थे, बहुत सोच समझ के उनके अंदर हथियार रखना होता था। अगर आपने किसी फोर्ट को जीत लिया तो अब आप क्या हो गए हो, आपने सीधा सीधा बता दिया कि हम बहुत पावरफुल है, तुम्हारे सैनिक्स को हमने हरा दिया है, तो ये एक पूरा का पूरा प्रस्पेक्टिव होता था। अब ये निकल जाते हैं साला और कालाबार फोर्ट को जीतने के लिए और जब ये यहाँ पर भी कब्जा डाल देते हैं तो उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं समानदारा फोर्ट को जीतने के लिए। ये अभी तक की पूरी इनकी हिस्ट्री चल रही है।
अब हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर साला फोर्ट पे कब्जा करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब ये समाधारा पोर्ट की तरफ निकलते हैं तो अहोम्स को लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बिल्कुल घर तक आ पहुँचे हैं। यहाँ से आर्मी शुरू होती है अहोम्स की और इनका जो मुकाबला है वो यहाँ पर इस मैदान के अंदर उस फोर्ट तक पहुँचने से पहले ही शुरू हो जाता है। अहोम्स रिपल्स करते हैं यहाँ पर बैंक ऑफ भरारी रिवर के, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि भरारी रिवर बह रही है, नीचे ब्रह्मपुत्रा है और इसी के किनारे के ऊपर लड़ाई होती है। अब मुगल्स जो थे वो एक और अटेम्प्ट करते हैं और इस समय पर भरारी रिवर के सामने वो इसमें जीत भी जाते हैं और वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं समंधारा की तरफ। ये लोकेशंस ऐसी होती हैं जो प्रीलिम्स के लिए पूछी जाती हैं, तो इसी वजह से मेरा इतना फोकस है कि मैं आप लोगों को लोकेशंस को बार बार बहुत छोटा करके समझाऊँ सो दैट कोई भी चीज़ मिस ना हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़ाई होती रहती है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर और जो अद्दल अहोम थे वो यहाँ पर समंदरा तक फोर्स किए जाते हैं कि उनको वहाँ तक लेके जाया जाए, लेकिन अहोम्स क्या करते हैं, कुतुर दूसरा हमला कर देते हैं। अभी जो पहले उनकी टुकड़ी थी वो तो हार रही थी, मुगल्स ने सोचा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अहोम्स यहाँ पर भैला भार्गोविन के अंडर में दूसरा हमला करते हैं और मुगल्स इस समय पर अंडर में थे अब्बा बकर के, उनको बड़ा ये सरप्राइज मिलता है एकदम से, उनको लगता है कि इतने ही सैनिक आने चाहिए थे, एकदम से इतनी बड़ी टुकड़ी कहां से निकल आई। तो उसी सरप्राइज के चक्कर में फिलहाल के लिए वो यहां पर हम देखते हैं डिसलोज हो जाते हैं एकदम से, उनको लगता है कि ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गई, हम तो इतनी प्रिपरेशन करके आए नहीं थे। ऐसी सिचुएशन के बाद में जो अटैक है वो ब्राली रिवर के ऊपर ही यहाँ पर हम देखते हैं कि होता है, थोड़ी सी जो टुकड़ी थी उसको पीछे भेज दिया जाता है दूसरी तरफ तेजपुर की तरफ में, और अहोम जो है वो दोनों ही यहाँ पर बैंक के ऊपर खड़े हो जाते हैं कि इधर से भी हमला करके मारेंगे, इधर से भी हमला करके मारेंगे, तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर अहोम्स अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। मुगल के जो यहाँ पर बिल्कुल उस समय के हम देखते हैं कि डायरेक्टर थे, जिसको बोल सकते हैं जनरल बोल सकते हैं अब्बा बकर, उनको यहाँ पर अहोम के जनरल बैला बरहोंगे के द्वारा मार दिया जाता है। अब इनकी आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये मर जाते हैं। राजा सत्राजीत जो थे उस समय पे मुगल्स के साथ में चल रहे थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, लगभग 1700 लोगों की यहाँ पर मौत होती है और 3400 लोग वाउंडेड घायल हो जाते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ठीक है, मतलब तीन इसीलिए युद्ध हो रहे हैं क्योंकि मुगल्स पहले हार रहे होंगे, तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा पॉइंट ठीक जाता है क्योंकि मुगल्स की इस समय पे हार होती है तो अहम्स को इससे आता है कॉन्फिडेंस और मुगल्स का यहाँ पर गुस्सा बढ़ जाता है। लेकिन राजा वही अच्छा होता है जो सोच समझ के स्ट्रेटजी को अपनाए। अब उनको लग रहा है कि इसी समय के दौरान में जो उनका वेस्टर्न फ्रंटियरी है उसके ऊपर होने वाले हमले, तो राजा कहता है कि तुम लोग वापिस आ जाओ, इनको हम बाद में निपटेंगे, इनसे मुगल जो एम्परर थे, अभी के लिए तुम एक काम करो अफगानिस्तान की तरफ जाओ, पंजाब की तरफ जाओ, वहां पर मुझे ज्यादा जरूरत है। अभी इनको यहीं पे छोड़ दिया जाता है, अहोम्स का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ जाता है। एक्सपेंशन जो है टेरिटरीज का वो पहले कॉन्फ्लिक्ट के बाद में एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि अहोम जो किंगडम है उसको हम देखते हैं कि काली बोर था उस तक यहाँ पर मुगल्स पहुँच जाते हैं। कामरूप हम यहाँ पर देख पाएंगे, ब्रांडी रिवर यहाँ से निकल रही थी जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा शुरुआत में खेल होता है। हजो जो है वो यहाँ पर जीता जाता है, उससे वो लोग आगे बढ़ते और बरहाली रिवर के ऊपर यहाँ पर इनको हराया जाता है, मुगल्स को हराया जाता है अहोम्स के द्वारा। अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट फिर से होता है 1636 में। अब ये लगभग हम देख पाएंगे 20 साल के बाद में दोबारा से आते हैं। बाली नारायणा जो है उनको अटैक कर दिया जाता है। ये बाली नारायण कौन है? ये वही बाली नारायण है जिनको लक्ष्मी जो नारायण थी, जब उनको यहाँ पर अटैक मुगल्स की साथ संधि बना के अटैक करने के लिए बुलाया जाता था ईस्ट की जो यहाँ पर पोर्शन है उसके ऊपर, तो ये वही बाली नारायण है जो यहाँ से भाग निकले थे और अहोम्स के पास जाकर इन्होंने रिफ्यूज ली थी या फिर शरण ली थी। इनके ऊपर मुगल्स यहाँ पर दोबारा से अटैक करते हैं नोमावती के पास में, तो मुगल्स यहाँ पर अब आपको दिखाई देंगे रेड से आगे जितने भी होंगे और अहोम्स हमेशा दिखेंगे ब्लू से। ब्रह्मपुत्र रिवर है इसी के पास में, नोमावती यहाँ पर रिवर है, हजो अगेन जो हम देख पा रहे थे कि किंगडम है उसका एक पार्ट था, तो यहाँ तक पूरा का पूरा बाली नारायणा कब्जा कर लेते थे। फिलहाल के लिए जो मुगल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नुकसान भी होता है। अब्दुस सल्लाह गवर्नर थे उस समय पर कामरूप के और उनको भेजा गया कि वो जो वायसराय हैं इस्लाम के, यहाँ पर इस्लाम खान उनका नाम था, उनके साथ मिलकर इनके ऊपर क्या करें, हमला करें।
अभी हम देखते हैं कि कैसे अहोम जो है वो सरायघाट की तरफ आगे बढ़ने लग जाते, क्योंकि उनकी तो अलायंस थी यहाँ पर बाली नारायण के साथ में, वो तो उनके दोस्त थे, तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं लड़ने के लिए। अब हम देखते हैं कि जो मुगल्स हैं वो ब्रह्मपुत्र रिवी के साथ साथ होते हुए यहाँ से मुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं अहम्स आने वाले हैं। वो आगे जाते हैं सरायघाट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक स्थल है, क्योंकि ये सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट में भी इम्पोर्टेंट है और थर्ड में भी, जिसकी अभी अभी हमने जिनको पढ़ा है लॉर्ड्स, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते मुगल जाते हैं हजों की तरफ में, अहम्स आते हैं और सरायघाट के ऊपर पहले ही कब्जा कर लेते हैं। राजा सत्रजीत जो थे वो पांडु के साथ में मिलके, पांडु नाम की जो जगह है यहाँ पर, इस पे आके क्या करते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। अब राजा सत्रजीत, बार बार मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि मुगल्स के साथ में मिले हुए थे। मुगल्स घोराघाट के ऊपर आते हैं, सबसे पहले पांडु के ऊपर आते हैं, अहम्स को वहाँ से भगाया जाता है और फिर उनके साथ दोबारा लड़ाई होती है सरायघाट के अंदर। मुगल्स का इस समय पे जो हेड थे वो थे जैनुल अबादीन, और वो यहाँ पर सरायघाट और हजो दोनों को ही क्या कर लेते हैं, दोबारा से यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुगल्स जो है वो सरायघाट की तरफ निकलते हैं दोबारा से हजों के अंदर, जिनियल अबदीन के अंदर में, और इसके बाद में जो राजा सत्रजीत था वो क्या करता है, वो कहता है कि देखो मैंने तो यहीं पे हथियार डाल दिए थे पांडु के अंदर ही, तो मैं पांडु में ही रहूँगा अभी के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन अब उसने अपनी पार्टी बदल ली, पहले वो मुगल्स के साथ में था, अब वो कहता है अहोम से कि प्लीज़ मुझे बख्श दो, मैं ऐसे ही मरना नहीं चाहता, मैं काम करता हूँ, तुम्हारा स्पाई बन जाता हूँ। अब स्पाई क्या होता है, जासूस बनना, तो ये बन जाता है यहां पर मुगल्स का स्पाई, सॉरी इनका अहम्स का स्पाई। और स्पाई बनने के बाद में भी कहता है कि ठीक है मैं मुगल्स के ऊपर पूरी जासूसी करूंगा और तुम्हें उनकी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। राजा सत्रजीत जो है वो पांडु में ही रहकर अब स्पाई की तरह काम करने लग जाता है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो उस समय पे अहोम किंगडम के यहां पर राजा थे प्रताप सिंघा, वो पांडु को देखते हैं कि वहां के लिए काफी सारी सेना को आगे भेज देते हैं कि पांडु को बचा के रखो, लैंड की तरफ से भी तुम जाओ और यहाँ पर वोटर की तरफ से भी जाओ। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर के सारे अहोम्स के सैनिक आ रहे हैं और यहाँ पर जमीन से आ रहे हैं। राजा सत्रजीत अब क्या करता है कि मुगल्स की जो डिस्पोजिशन थी वो अहोम्स को बता देता है। मुगल्स यहाँ यहाँ बैठे हुए थे, अब यहाँ पर क्योंकि पांडु के अंदर राजा सत्रजीत है और उसने पहले ही अहोम्स के साथ में ट्रीटी कर ली है, दोस्ती कर चुका है वो, अब इनकी पोजिशंस को इनके सैनिक को बता देता है कि मुझे कुछ मत कहना, देखो वो लोग वहाँ बैठे, उन्हीं को मार लो। अहोम्स इसी वजह से पांडु को अपने पास रखते और मुगल्स के जो यहाँ पर सैनिक थे उनको हरा देते हैं। अब फिर से दोबारा से यही प्रॉब्लम चल रही है। हम देखते हैं कि अहोम की जो यहाँ पर नेवी है अब वो सरायघाट की तरफ चलती है। अब उनको भी तो ये बात पसंद नहीं आ रही है ना कि उनकी ज़मीन के ऊपर मुगल आगे कैसे बैठ गए हैं। तो पांडु से निकलते हैं, यहाँ पर मुगल्स को हराते हैं, ब्रह्मपुत्र से होते 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 गोलापारा की तरफ बढ़ते हैं, सरायघाट में पहले जाते हैं, वहाँ पर मुगल्स को हराते हैं और मुगल्स से उसको फ्री करवा लेते हैं। पूरा का पूरा जो ये कामरूप का रीजन था, जिसपे अभी कुछ समय पहले, एक ही साल पहले यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मुगल्स ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था, उसको फ्री करवा लिया जाता है। अहोम्स इस एरिया को जो गोलापारा और चुनरी का एरिया था ब्रह्मपुत्रा रिवर थे, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब अहोम्स ने अपनी पूरी सॉवरेनिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश कर ली है, कामरूप के ऊपर भी, उस पूरे रीजन के ऊपर भी। वो कहते हैं हम पूरे स्वतंत्र हैं, हम नहीं मानते किसी मुगल वुगल को, होगा वो किसी दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का जो एम्परर है, लेकिन हम नहीं मानते उसको। तो ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पर निकाल दी जाती है। अब इससे फिर क्या होगा, मुगल्स को फिर से गुस्सा आएगा। इसी में मुगल्स के जो यहाँ पर जनरल होते हैं, अब की बार आते हैं मीर जैनुद्दीन और अल्लाह यार खान। ये क्या करते हैं कि दिसंबर से का उस समय पर टाइम था और ये मुगल्स की पूरी सेना को लेके जगाई पोहा से होते हुए आ जाते हैं कराई बाती तक, और उसी के ऊपर हम देख पाते हैं कि उसी से थोड़ा ऊपर जाते हैं यहाँ पर क्या था हमारा सरायघाटी का दिखाई देता है। मुगल्स अटैक करते हैं कराई बारी के ऊपर। कराई बारी फिर से एक मेन लोकेशन है, गुवाहाटी से थोड़ा सा आगे होता है, और हेडक्वार्टर अपना बना लेते हैं हाथीशाला को। अब हाथीशाला उस समय पे चंद्रा नारायण के द्वारा रूल किया जा रहा था, तो उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। मुगल्स फिर ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं कि जितनी भी गोला बारा के अंदर यहाँ पर फोर्टिफिकेशन थी, जितनी भी हम देख पाएंगे कि बाउंड्री बनाई गई थी एक तरीके से फोर्टिफिकेशन
लोकेशन क्या होती है, दीवारें बना दी जाती हैं, पक्की दीवारें, ताकि जो हमारी जगह है उसको हम सुरक्षित रख सकें, जो हमारे फोर्ट हैं यहाँ पर उनको हम सुरक्षित रख सकें। उसके ऊपर मुगल्स यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं, मुगल्स ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्रॉस भी कर जाते हैं और पहुँच जाते हैं यहाँ पर जग्गी धोपा की तरफ में। अभी इससे फिलहाल में, क्योंकि अहोम्स ने जग्गा घोगा के अंदर यहाँ पर मुगल्स के पहले ही जांच लिया था कि मुगल्स आने वाले हैं, तो अहोम्स यहाँ पर आके इनको पहले ही हरा देते हैं। फिर से लगातार हम देख रहे हैं कि मुगल्स बार बार पिटे ही जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं फिर पिट जा रहे हैं। अप्रैल 1637 के अंदर हम देखते हैं कि मुगल्स जो है वो बिसानपुर तक पहुंच जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट फोर्टिफिकेशन है उनको यहाँ पर कोशिश करते हैं कि अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए कैसे वो डुबरी से होते हुए जग्गी पोहा आते हैं, जग्गी पोहा को एक बार हार के फिर से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते बिसानपुर तक वो पहुँच जाते हैं। अब इसके आगे तो सीधा काला पानी ही रह गया है। हाथीसिला तक वो पहले ही पहुँच गए थे, काराबीरी के ऊपर उन्होंने पहले कब्जा कर लिया था। अब उनकी फोर्सेस को आते देखते हुए काला पानी, जो कि बाली नारायण के अंडर में फिर से आता था, बाली नारायण फिर से याद करता है अपने प्यारे मित्र अहोम के राजा को, और वहीं से बाली नारायण अपनी जो फोर्टिफिकेशन, अपनी जो सुरक्षा है यहाँ पर फोर्ट्स को, पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर दिया जाता था, दीवारें खड़ी की जाती थी, उसको मजबूत बनाता है काला पानी के अंदर, और किंग प्रताप सिंघा जो अहोम है उनकी मदद वो ले लेता है। अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट फिर से होता है 1637 से 38 तक। अब हम देखते हैं कि कैसे बारपेटा से होते हुए हजो तक यहाँ मुगल फिर से आ जाते हैं, फिर से सरायघाट तक पहुँच जाते हैं, सरायघाट से होते हुए गुवाहाटी, पांडू और कजाली तक जब ये जाते हैं, तो नवंबर का वो समय था, मुगल्स को ऑलमोस्ट एक साल होने को आया, 37 से वो लगातार दिसंबर से लगे हुए हैं और 38 का नवंबर आ गया है। इस समय पे मुगल्स को ये फोर्स होता है कि उनको मोहम्मद जमीन की तरफ में हजों पर पहुंचना है और उसको क्या करना है, दोबारा से रिकैप्चर करना है। एक समय पे उन्होंने इसको कैप्चर किया था शुरुआत में, फिर अहोम्स ने इसको यहाँ से भगा दिया था, उसके बाद में वो फिर से उसको पकड़ने के लिए आ रहे थे। दिसंबर में लगभग पूरे एक साल के बाद में मुगल्स यहाँ तक पहुँच कर और यहाँ पर मुसेम खान के अंदर अपनी जो कदम है, अपने जो पैर हैं उनको जमा लेते हैं और उसके बाद वो आगे निकल जाते हैं सरायघाट के ऊपर लड़ाई करने के लिए। अहोम फोर्सेस जो थी वो यहाँ पर पांडू के अंदर इनसे लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी हुई थी। जनवरी 1638 के अंदर हम देखते हैं कि मुगल्स जो है वो पांडू तक पहुँचते हैं और पांडू को भी जीत जाते हैं और साथ ही में कजाली जो एक जगह है उसको भी यहाँ पर जीत लिया जाता है। अहोम्स के जो बचे हुए सर्वाइवर थे वो क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं और वो चले जाते हैं कालीबोर तक, जो कि ममाए तमोली के अंडर आता था। फिलहाल मुगल्स ने को लगता है कि फिर से हमने इनको जीत लिया है, पिछली बार हमने गलती की थी कि हम ज्यादा सेना लेके नहीं आए थे, अब की बार क्या करते हैं, अब की बार पूरे के पूरे अहोम किंगडम को खत्म ही कर देते हैं, चलो पीछे से और सेना को बुला लो। तो मुगल्स का पूरा पूरा उद्देश्य बन जाता है कि वो अहोम की जो कैपिटल है गारे गांव, उसको यहां पर पूरा कब्जाएंगे और उसको कब्जाने के लिए उनको साला जो फॉरेस्ट था हमने देखा था, साला फोर्ट, और उसके ऊपर से होते हुए समांदरा तक जाना पड़ेगा, तो उन किलों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब देखिए कैसे ये बहुत ही ज्यादा जो लेवल है अहोम किंगडम का, यहां तक पहले अहोम होते थे, यहां पर अब पूरे के ऊपर मुगल एम्पायर आ चुके हैं, ऊपर कामरूप यहां पर दिखाई दे रहा है और अहोम किंगडम यहां तक है। अब ये चाहते हैं कि अहोम किंगडम की कैपिटल तक हम पहुंच जाएं। गुवाहाटी से ये लोग निकलते हैं, हम देख पाते हैं कजाली तक, कजाली से कालाबोर, दिलुमाशोर और यहाँ पर ब्रहाली रिवर के पास जहाँ पिछली बार अहोम्स ने इनको भगाया था, उसी के बाद में वहाँ तक ये पहुँचने लग जाते हैं। तो नवंबर 1638 तक 3 दिन की नेवल बैटल चलती है समुंदर में, या सॉरी समुंदर नहीं, यहाँ ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके अंदर ये बैटल होती रहती है। दुमी मुशीला जो कि अहोम्स के साथ थे उनके साथ ये लड़ते हैं। मुगल्स मोहम्मद जमान और मीर जियोद्दीन के साथ में कजाली के ऊपर पहुंचना चाहते थे, यही सब इनकी लड़ाई होती रहती है। लेकिन अहोम्स फिर से मुगल्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनको कजाली से बाहर भेज देते हैं। जब वो गुवाहाटी पहुंचते हैं तो गुवाहाटी पहुंचते ही मुगल्स के साथ क्या किया जाता है कि उनको दौड़ा दौड़ा कर मारने शुरू कर दिया जाता है कि लड़ रहे हो ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो मुगल्स भी कहते हैं कि अभी तो पूरी आर्मी पहुंची नहीं है हमारी, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम के लिए पीछे हट जाते हैं
और इसी वजह से वो अपनी हार मानते, पीस ट्रीटी करवाते हैं, कहते हैं कि देखिए कोई बात नहीं, शांति संधि कर लेते हैं, आप भी तो भाई भाई ही हो, कोई बात नहीं, चलिए क्या हो गया, हिंदू हो तो हमारे तो जो एम्परर हैं इस समय पे वो मानते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, शाहजहाँ हैं फिलहाल में, और शाहजहाँ तो बहुत अच्छे हैं, तो बड़े आर्ट लविंग हैं, वो तो लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं हैं। तो ये सब करने के बाद में होती है यहाँ पर पीस ट्रीटी, जो कि होती है असुरार अली और यहाँ पर अल्लाह यार खान गवर्नर ऑफ कामरूप के बीच में, और मोमाई तमुली के बीच में, जो कि थे अहोम की तरफ से। पीस ट्रीटी होने के बाद में अब हमें पता चलता है 1639 तक कि यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है कामरूप तक का, और ये एरिया है यहाँ पर अहोम्स का, ट्रीटी फिक्स करती है ब्रानंडी जो रिवर है, ये क्या है, ब्रानंडी रिवर है, नॉर्थ में हम देख पाते हैं कि वहाँ पर होगी अहोम्स और यहाँ पर होंगे मुगल्स, इस ट्रीटी का पूरा ये हमें पता चलता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू होगा, अब दोनों बार हम देख चुके हैं, देखिए अहोम्स की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कम पढ़ाई जाती है, इसी वजह से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर जितनी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में बता सकूँ, और आपको ये पीपीटी मिल ही जाएगी, आप इसको सेव भी कर सकते हैं, वीडियो अपलोड होते ही आपको ये ज़रूर मिल जाएगी, सो दैट जब आप इसको रिवाइज़ करना चाहें उसी समय पर रिवाइज़ कर लें। फिर से तीसरी लड़ाई की तरफ बात पहुंचती है, अभी क्या होता है, अहोम किंगडम यहाँ पर पूरा बना हुआ था, कामरूप हम देखते हैं कोच यहाँ पर आ चुका है, और मुगल एम्पायर यहाँ तक अपनी सीमाएं बना लेता है। कामरूप जो था वो एक्चुअली में अहोम और मुगल्स के दोनों के झगड़े की मूल वजह बन गई थी। अब कामरूप को चाहते थे, अहोम्स कहते ये तो बिल्कुल हमारा घर है, इसको कैसे दे दें, मुगल्स कह रहे हैं कि नहीं नहीं ट्रीटी में हमने कामरूप को अपना मान लिया था, तो ये अब आप गलती कर रहे हो। शाहजहाँ अब इस समय पर बीमार हो जाते हैं और शुजा जो है वो बंगाल से अब्सेंस उनकी दिखाई देती है। अहोम्स को लगता है कि अब सही मौका है, क्योंकि जो मुगल एम्परर है वो भी थोड़ा बीमार चल रहा है, तो क्या ही यहाँ पर सेना भेजेगा, ऊपर से जो शुजा की बात हम कर रहे हैं जो कि गवर्नर होते थे, बहुत ही ज़्यादा एक होनहार इनको माना जाता था, वो भी बंगाल में दिखाई नहीं दे रहे, उनको भी पकड़ने के लिए ढूंढने के लिए यहाँ पर मुगल्स की सेना पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने वापस आकर इधर आते हैं और आके बोलते हैं कि अब मैं मुगल्स को मानता ही नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ। इसी वजह से ये सब के चक्कर के बीच में एकदम से अहोम किंगडम सामने आता है और वो क्या करता है, कामरूप को यहाँ पर अपने अंडर में ले लेता है। अब उन्होंने अटैक किया जो कि मुगल्स की कामरूप थी, जया नारायणा जो कि अब बाली नारायणा के पुत्र थे उनकी जगह पर राजा बन चुके थे, अलायंस इनकी अभी भी अहोम किंगडम के साथ थे, पूरे वफादार थे, इनके पिता की इतनी मदद की गई थी, तो इसी वजह से ये पूरा अटैक करके इसको वापस ले लेते हैं। हम देखते हैं पूरी जो टेरिटरी थी बर्नेंडी रिवर से लेके संकोश रिवर तक की, फिर से वो आ जाती है अहोम्स के अंडर में, और औरंगजेब अब नए नए आते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट की अब शुरुआत होगी वो होगी औरंगजेब के अंदर, और हमें पहले ही पता है कि औरंगजेब कितने क्रूर थे, वो बहुत ही ज़्यादा उनको ऑर्थोडॉक्स, और ऑर्थोडॉक्स भी ऐसा वैसा नहीं, फेंटिक माना जाता था कि बिल्कुल पागलों की तरह वो एक तरीके से ऑर्थोडॉक्स था, तो धर्म के पीछे पागल था, फेंटिक था, और इसी वजह से वो क्या करता था कि कोई सामने आए, वैसे ही जो हिंदू हैं वो क्या है उसके लिए काफिर होते थे और उनको मारना वो अपना धर्म समझता था। अब वो आता है और कहता है कि अब तो मैं मीर जुमला को यहाँ भेजूंगा नया गवर्नर बना के, और मीर जुमला को यहाँ पर पूरा का पूरा कार्यभार सौंपा जाता है कि जाओ और अहोम को अपने अंडर में लो, ठीक है अब हमें कोई मतलब नहीं है, मेरा जो मुगल एम्पायर है वो ऊपर से लेकर नीचे तक फैल रहा है, मैं दक्कन में पहुंच चुका हूँ, मैं देखता हूँ कि मैं अपने आप को फिर पाता हूँ साउथ इंडिया के अंदर में, तो ये छोटा सा भाग हम क्यों छोड़ रहे हैं जो हमें बार बार परेशान कर रहा है, जाओ तुम उनको निपटाओ, ऐसा आदेश देकर मीर जुमला को भेज दिया जाता है। फिर होती है मीर जुमला की तरफ से इन्वेजन, लड़ाई की जाती है, मीर जो है वो असम को कंकर करने का, जीतने का पूरा टास्क अपने आप ले लेता है और कहता है अब तो मेरा ये उद्देश्य है। मीर यहाँ पर कुछ साइंस को क्रैक कर देता है अहोम्स की अलाइज के साथ में, वो क्या करता है कि जो भी अहोम्स के संधि थे अलाइंस थे उनसे बात करता है, कहता है कि देखो यार तुम क्यों उनके साथ में अपना विनाश करवाने पे तुले हुए हो, हाँ मानते हैं शाहजहाँ जो थे वो थोड़े से आर्ट लवर थे, शांति चाहते थे, लेकिन तुमने सुना नहीं है क्या औरंगजेब के बारे में, ऐसी ऐसी बातें करके वो जो उनके अलाइंस हैं उनको यहाँ पर थोड़ा डरा देता है, किसी को बहका देता है, किसी को फुसला लेता है, और अब उसका पूरा टारगेट था कि अहोम्स को पूरा का पूरा जड़ से ख़त्म कर देना है। हम देखते हैं कि नए जो किंग बनते हैं इस समय पे कामरूप के वो है जया नारायण, और उसको भी यहाँ पर अहोम से दूर कर दिया जाता है, तो क्योंकि नया नया बच्चा था
और ठीक है, पिता का साथ दिया था इन्होंने, लेकिन अब इसको लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत है, क्योंकि मुगल एम्पायर जो कि इस समय पे बहुत बड़ा एम्पायर बन चुका है, वो तो हमारे साथ देने वाला है, वो हो जाता है इनसे अलग। इसी वजह से जया नारायण जो है उसको कामरूप के ऊपर बैठा दिया जाता है कि ठीक है तुम कामरूप के ऊपर रहोगे, तुम्हारा राज्य हम नहीं छीनेंगे, बस हमें असम को यहाँ पर जो है उसको जीतना है। तो मीर चला जाता है असम की तरफ, और मीर जुड़ला जो थे वो यहाँ पर राशिद खान जो थे उनको भी ओहम्स के खिलाफ कर देता है। तो अब राशिद खान जो कि कोच के ऊपर यहाँ पर रह रहे थे, तो उनको भी कहता है कि क्या करोगे तुम ओहम्स के साथ, उनका तो हम ख़त्म करने जा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में साथ रहो या फिर मरो। तो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन आप किसी के सामने रखेंगे तो वो कैसे ही यहाँ से दूर जाएगा। हम देखते हैं कि जीतने के लिए मीर जुमना निकलता है गार गांव की तरफ। अब ये पूरा का पूरा रास्ता फिर से हम देखते हैं डुबरी की तरफ से, जहाँ शुरुआत में जो वेस्टर्न कोच है वहाँ तक हम इसको देख पाएंगे, वहाँ से निकलते हैं गोलपारा की तरफ। अब ये पहली बार ऐसा होता है कि गुवाहाटी से निकलकर पांडू से होते हुए, कालीबार से होते हुए ये आगे निकल जाते हैं समंदरा से। अब यहाँ तक पहले पहले के जो अटैक थे उसमें कभी भी अहम्स ने इससे आगे इनको पार करने ही नहीं दिया था। ये क्या करते हैं कि नदी के सारे सारे जाते जाते गहरे गांव तक पहुंच जाते हैं, और यहीं पर अहम्स के जो दूसरी तरफ के जो सैनिक थे वो दूसरी तरफ नदी के तट तट पे चल रहे थे कि इनको पकड़ते ही हमें भी लड़ाई करनी है, ऐसे तो हम भी अपनी जो भी इनकी मातृभाषा उसको जाने नहीं देंगे, जो भी इनका पूरा का पूरा स्टेट है। अब इसमें क्या होता है कि अहम्स के जो किंग है जयाधवाज वो कॉन्टेक्ट में आते हैं, और वो क्या करते हैं कि दोनों तरफ से हमें मजबूत होना है, वो कहते हैं यहाँ भी मजबूत हो जाओ यहाँ भी मजबूत हो जाओ, देखते हैं कहां से भागते हैं। इसी दौरान में मुगल्स यहां पर सिमालगढ़ को कैप्चर कर देते हैं। अब यहां पर सिमालगढ़ तक वो पहुंच चुके हैं, अहम्स की जो फोर्सेस हैं वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए क्योंकि ये सिमालगढ़ तक पहुंच चुके हैं तो क्यों ना हम समंदरा से भागे जाएं, उनको पकड़े कहीं ना कहीं। और हम देखते हैं कि मार्च 1662 के अंदर घारे गांव तक यहां पर मुगल्स का कब्जा हो जाता है। अब की बार ट्रीटी करवाई जाती है दोबारा से, लेकिन अब की बार मुगल्स यहाँ पर शांति नहीं चाहते हैं, अब की बार शांति चाहते हैं अहोम। तो अहोम को लगता है कि ये तो बहुत बड़ा खतरा हो गया है, अब एक काम करते हैं, चलो एक बार हमने भी इनको माफ़ किया था, एक बार हम भी पूछ के देख लेते हैं। तो एक ट्रीटी होती है जो कि जानी जाती है गल्लाहरी हारी घाट के नाम से, 23 जनवरी 1663 में ये ट्रीटी यहाँ पर की जाती है। ट्रीटी के क्या क्या आउटकम आते हैं चलिए उसको देख लेते हैं। ट्रीटी में जो ये साइन की जाती है, मीर जुमला और जयावाज के बीच में ट्रीटी होती है, जिसमें यहाँ पर डोरी के रूप में 20,000 तोला जो सोने का है वो दिया जाता है, 1,20,000 तोला सिल्वर यहाँ पर दिया जाता है मुगल्स को, और 20 ड्रेस्ड एलिफेंट मुगल्स को दिए जाते हैं। एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है जिसके अकॉर्डिंग अहम्स जो होंगे वो हर साल वॉर की जो नुकसान हुआ है उसके बदले में 30,000 तोला सिल्वर और 90 एलिफेंट यहाँ पर मुगल्स को पहुँचाते रहेंगे। इसी के अलावा वो एनुअल ट्राइब्यूट भी देंगे 20 हाथियों का गुवाहाटी के अंदर। अब ये क्या कहते हैं कि जो मानस रिवर से गुवाहाटी तक का एरिया है वो एरिया अभी वापस अहम्स को मिल जाएगा, और जो एरिया है कामरूप का वो चला जाएगा मुगल्स के पास में। अब एक तरीके से ये क्या बन जाते हैं, फिड्यूशरी बन जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है मान लेते हैं आजकल तुम पावर में चल रहे हो, कोई बात नहीं तुम लोग तुम्हें जो ठीक लगता है कर लो। तो ऐसे ही करते हैं ट्रीटी के अंदर, और हम देख पाते हैं कि अब उदय होता है लचित बोरफू खान का। अब बोरफू खान की जो हम बात करें, ये वही बोरफू खान है जिनका अब हमने कुछ देर पहले आर्टिकल पढ़ा, और इन्हीं का स्टेटस बनाया गया है, स्टैचू बनाया गया है अहोम के अंदर में, असम के अंदर में। तो चलिए समझते हैं कि इन्होंने कैसे एकदम से चीज़ों को बदल दिया। हम देखते हैं बैटल ऑफ सराईघाट होती है, बहुत ही फेमस बैटल, लेकिन अब तक की सिचुएशन मुगल एम्पायर की क्या पहुंच चुकी है। अब मुगल एम्पायर हम देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया तक पहुंच चुका है, हम देखते हैं पूरा साउथ इंडिया तक पहुंच चुका है, और यहाँ पर ये अहोम के कुछ भाग को छोड़कर पूरी की पूरी जगह तक अपना पूरा का पूरा यहाँ पर किंगडम को फैला चुका है। लेकिन अब क्या होगा, 1658 के अंदर औरंगजेब की हो जाएगी मौत, और उसके बाद जो मुगल एम्परर आएंगे वो इतने शक्तिशाली नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, और इसी का फायदा यहां पर अहम्स भी उठाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो एक मौका ही तो चाहिए ना। तो हम देखते हैं अहम किंगडम में 1663 के अंदर यहां पर थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, सबसे पहले जो किंग जयाधवाज है जो कि जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी यहां पर हम देखते हैं मीर जुमला के साथ में, उनकी हो जाती है मौत। उसके बाद आते हैं दूसरे राजा जिनका नाम था चक्राध्वाज। अब चक्राध्वाज जो है वो यहां पर
आ जाते हैं और हम देखते हैं कि अटान बोरा घ्वान को वो एज अ प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। डिप्लोमेटिक टॉक होती है जांतिया और कच्चा हारी किंगडम्स के साथ में, भी हमने देखा था जांतिया नीचे है, उसके साथ में ही हम कच्चा घारी किंगडम्स को देखेंगे, ऊपर है अहोम किंगडम और यहाँ तक पूरा का पूरा कोच किंगडम के ऊपर कब्जा करके कामरूप पर पहुँच कर आ चुके थे मुगल। हम देखते हैं इनके साथ में कहते हैं चलो ना अलायंस करते हैं, वो मुगल्स को भगाते हैं, इनके पास भी कहाँ ही पावर है, मैं नया नौजवान राजा आया हूँ, बहुत शक्ति लेके आया हूँ, तो चलो कुछ करते हैं। और इसी के अंदर जो जनरल है फिलहाल लचित देखा बोरफुक खान, वो चीफ बन जाते हैं अहोम्स की फोर्सेस के। वो कहते हैं कि अब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ कि मुगल्स को अहोम्स के साथ पंगा लेना कैसा होता है। अब बात करते हैं लचित बोरफुक खान की, क्या थे ये। इनका एक बहुत ही फेमस यहाँ पर डायलॉग कह लीजिए या फिर हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है इनका एक कोट होता है जिसमें ये कहते हैं इफ़ यू द सोल्जर वॉन्ट टू फ्ली फ्ली, अगर तुम सोल्जर सैनिक भागना चाहते हो तो भाग जाना। द किंग हैज़ गिवन मी ए टास्क हियर एंड आई विल डू इट वेल, किंग ने राजा ने मुझको एक काम करने को दिया है और मैं उसको बहुत अच्छे से निभाऊंगा। लेट द मुगल्स टेक मी अवे, कोई बात नहीं तुमको भागना चले जाना, अगर मुगल्स मुझे बंदी बनाकर लेकर भी जाते हो तो उनको लेकर जाने देना। यू रैप टू द किंग दैट हिज जर्नल फोट वेल With his orders, तो ये कहते हैं कि तुम जाकर एक काम करना, हमारे राजा को बताना कि उन्होंने जिस जनरल पर विश्वास किया था उसने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तो इस तरीके का इनका हमें एक किरदार दिखाई देता है कि इनको मरना मंजूर है लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं था। 24 नवंबर 1622 में इनका जन्म होता है, मोआई तमूली बारबुआ के अंदर इनका जन्म होता है। ह्यूमैनिटीज़ की ये पढ़ाई भी करते हैं, होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, इसके अलावा बहुत सारी जगह पर ये अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, फिर ये बन जाते हैं अहोम की आर्मी के जनरल। काफ़ी क्लियर डिप्लोमेट इनको माना जाता था, काफ़ी समझदार थे, क्लेवर थे, स्पष्ट थे बहुत बातों को लेकर, डिप्लोमेट थे, तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसे इनको बात घुमाना भी आता था। इसके अलावा ये मिल इधर के साथ में काफ़ी इनकी जो हम एक देख पाते हैं कि लड़ाई टाइप रहती है, और ये क्या करते हैं कि छत्रपति शिवाजी के अपने आप को पेट्रोइट मानते हैं, कहते हैं कि ठीक है ना, उस जितने राष्ट्रभक्त होना चाहिए, शिवाजी जैसा राष्ट्रभक्त होना चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति की जो भावना है इनके अंदर, चाहे वो सिर्फ अहोम के लिए ही क्यों ना हो, वो काफ़ी इनके अंदर देखने को मिलती है। ये अहोम की आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं, मजबूत बनाते हैं और उसके बाद में लड़ाई करते हैं, जब यहाँ पर ये मुगल्स को हरा देते हैं और मुगल्स की तीसरी बार में, अभी क्या हो रहा है थर्ड, वैसे तो ये कॉन्फ्लिक्ट कौन सा चल रहा है हम देख पाएंगे, अभी तक हमने तीन को कवर कर लिया, दो में यहाँ पर अहोम जीत जाते हैं, थर्ड में मुगल जीत जाते हैं और फोर्थ टाइम पे जाकर यहाँ पर मुगल्स की हार होती है 1667 के अंदर। अहोम फोर्सेस जो है लचित के अंडर में आके गुवाहाटी तक जाती हैं और गुवाहाटी हमने पहले देखा कि यहाँ तक जो है यहाँ तक पहुँच चुकी थी मुगल्स, वो गुवाहाटी तक आते हैं और गुवाहाटी के बाद में मुगल से लड़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लचित जो है वो गुवाहाटी को रिकैप्चर कर लेते हैं 1667 में और काली बोर को अपना बेस कैंप बनाते हैं। तो गुवाहाटी को हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, गुवाहाटी इधर है और काली बोर जो है वो कहते हैं कि इसको तो हम अपना बेस कैंप बनाएंगे। नॉर्थन डिवीजन जो था वो आता है अतन बोर गहान के नीचे और सदन का जो डिवीजन है इससे नीचे का वो आता है नौसीला पुखान के अंडर। नदन जो डिवीजन था उसमें मुगल्स को ब्रनांडी रिवर तक भेज दिया जाता है, कहते पीछे निकलो तुम लोग, यहाँ पर जो पूरा का पूरा कामरूप का ये रीजन है ये होता है दोबारा से अहोम्स का। जो सदन का डिवीजन है, नीचे का डिवीजन है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर मुगल्स जो थे उनको पीछे भेज दिया जाता है इकता हुली तक का, यहाँ तक ये बैटल होती है। फाइनल एक अटैक हो जाता है जिसमें मॉनसून इस समय पे बिगिन हो चुका था मुगल्स का और इस समय पे ये जो यहाँ पर कजाली से लेते हुए अहोम आ रहे हैं वो पांडू के ऊपर जाकर इत्ता खाली से भी मुगल्स को पीछे भेजते हैं, हम देख पाएंगे सराई घाट तक। अगेन हमें क्योंकि ये बैटल ही जानी जाती है सराई घाट की बैटल के नाम से, तो सराई घाट में एक भयंकर यहाँ पर युद्ध होता है जिसमें जो अहोम से सराई घाट में निकलते हैं समुद्रा से होते हुए और जो मुगल्स को यहाँ पर इंसर्कल कर लिया जाता है हजों के आसपास में। खैर यहीं पे जो पूरी हिस्ट्री थी वो अहोम्स की और मुगल्स के बीच की वो ख़त्म हो जाती है। इससे पहले के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं हैं, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ।
होपफुली आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इस ट्रांसपेरेंसी लेकिंग इन कैंडिडेट डिस्क्लोजर। देखिए आर्टिकल बात कर रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में, दो चार चीज़ों की यहाँ पर बातें हो रही है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास में एक कैंडिडेट से रिलेटेड एक केस जाता है जो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। कैंडिडेट थे राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी की तरफ से तिरुवनंतपुरम से इनका जो कैंडिडेचर है वो भरा गया था। अभी इनके ऊपर ये बात लगती है कि इन्होंने जो इनकी रिलेटेड यहाँ पर इनकम थी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया। एक थ्री व्हीलर इनके पास होता था जिनकी इन्होंने प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब क्या इनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्यों इन्फॉर्मेशन देनी होती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के नाम से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए ये मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये जो है यूपीएससी का सिलेबस है पेपर जीएस पेपर टू का, जिसके अंदर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, फंक्शन से, क्या क्या है, यूनियन स्टेट की, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट, इन सब के बारे में पूछा जाता है। लेकिन अलग से पूरा टॉपिक दिया गया है जो कि दिया गया है सैलियंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो इतना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना, इसीलिए हम देखेंगे कि एक्ट क्या बोल रहा है। एक्ट के अंदर जो सेक्शन 33 है उसका रूल 4A बोलता है कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट आएगा और जो भी यहाँ पर कैंडिडेचर अपना भरना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको पूरी की पूरी उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो क्रिमिनल एनिकडोट उसका हो, कुछ हुआ हो, उसने उसके ऊपर केस हुआ, उसके पास क्या इनकम है, वो सब उसको सामने खोल कर रखनी पड़ेगी। जनता को पता होना चाहिए कि वो किस इंसान को वोट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि वो उनको छुपा कर किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस कर ले। हम देखते हैं कि सेक्शन 33(4) में यह भी दिखा गया है कि सारी की सारी डिटेल जो है वो उसको सामने रखनी पड़ेगी। फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन 125(a) की तरफ में, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बताता है कि अगर किसी ने कोई गलत यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी तो उसको सजा हो सकती है, कम से कम 6 महीने की सजा उसको मिल सकती है। और इशू के हिसाब से यहाँ पर एक केस हुआ था पहले ही, जब हम देखते हैं कि कैसे कोई अगर इसमें और फॉल्स की जगह पे भी गलत, उसको अगर ये प्रूफ हो जाता है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसने गलत दी और गलत भी बहुत ही बड़े लेवल पे उसने झूठ बोला है, तो उसको क्या होगा, यहाँ पर जो लॉ कमीशन है उन्होंने सजेस्ट किया था कि 6 महीने की सजा कम है। इसके अलावा लॉ कमीशन की 244वीं रिपोर्ट आती है 2024-14 के अंदर जो कि थी इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन के नाम से, उसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर कोई फॉल्स एफिडिएट निकालता है तो उसको 2 साल की सजा होनी चाहिए, 5 साल उसको इलेक्शन से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि यहाँ पर सीरियसनेस जो है इलेक्शन से रिलेटेड वो आ सके। तो खैर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही याद रखने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मैरिटाइम बेस्ड। देखिए आर्टिकल लिखा गया है अरुण प्रकाश के द्वारा जो कि यहाँ पर हम देख पाते हैं नेवी के ऑफिसर रह चुके हैं। क्या ये पूरी की पूरी बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार की। यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे हिस्ट्री जो है अंडमान की उसकी शुरुआत होती है 1857 से, जब ब्रिटिश जो है वो पहली बार अंडमान एंड निकोबार को जाकर अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। अब इसी से रिलेट हो जाती है कि कैसे यहाँ पर अंडमान जो है वो फिलहाल ब्रिटिश की कॉलोनी है। उसके बाद में हम देखते हैं 1942 तक वो उन्हीं की कॉलोनी रहता है, लेकिन 1942 के अंदर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर हम देख पाते हैं कि वो कॉलोनी सबसे पहले बन जाती है जापान की। अब जापान वहाँ पर आकर कहता है कि अब तो ये हमारे अंडर में आ गया है, लेकिन 1943 के अंदर यहाँ पर जापान से अच्छी साठगांठ करने के बाद में नेताजी सुभाष चंद्र जो थे वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसको आप हमें दे दीजिए, देखिए हम तो आप ही के साथ में आज़ाद हिंद फौज के साथ लड़ रहे थे, तो वो जाकर इससे क्या कर देते हैं, जैपनीज से ले लेते हैं इसको अपने पास में। हम देखते हैं 1947 के समय में जब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे, वो कहते हैं उस समय पे जो ब्रिटेन के पीएम थे वो कहते हैं कि क्लीमेंट एटली जी कि यहाँ पर जो यहाँ पर अंडमान जो आइलैंड है उसको एक स्ट्रेटेजिक आइलैंड की तरह पे ब्रिटेन का ही रहने दो। हालांकि इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो कहता है नहीं ये तो इंडिया का अटूट भाग है, इसको कैसे रहने दे। तो क्यों इसको चाहते थे ब्रिटेन के पीएम उस समय पे भी अपने पास रखना, हम समझ गए हैं कि देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है अंडमान और निकोबार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। ऐसी क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ऐसी क्या यूनिक ज्योग्राफी है जो अंडमान और निकोबार को इतना इम्पोर्टेंट बना देती है कि ब्रिटेन, जापान, इंडिया सब उसको अपने पास रखना चाहते थे।
हम देखते हैं कि यहाँ पर अंडमान जो है वो एक्चुअली में म्यांमार की टेरिटरी से केवल 22 माइल दूर है। सदर्न में अगर हम इसको देखें तो इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है, उससे हम देखेंगे कि इंदिरा पॉइंट से ये केवल 90 माइल की दूरी पर है। इंडोनेशिया से ये हम देख पाएंगे कि बहुत पास में है और थाईलैंड से लगभग 270 माइल की दूरी पे है। तो काफ़ी मिलती जुलती जगहों पे ये बसा हुआ है, काफ़ी इतना दूर नहीं है। ये तो है लैंड की टेरिटरी की, ज्योग्राफी की, क्योंकि जब शुरुआत हमें पता ही चलती है कि चाइना जो है वो काफ़ी ध्यान दे रहा है इस तरफ, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1976 में प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नेवी की, आर्मी की और नेवी की जो फोर्सेज है उनको भेजा जाता है। अंडमान और निकोबार जो है वो 836 आइलैंड्स की आर्कियोलॉजी है। अब ये क्या होता है, बहुत सारे आइलैंड जब एक साथ मिलके किसी तट को बनाते हैं वो इस नाम से जाने जाते हैं। आइलैंड होते क्या हैं? आइलैंड एक्चुअली में एक ऐसा भूभाग होता है जो पानी के नीचे बहुत ही बड़ा है और पानी से ऊपर बहुत ही छोटा दिखाई देता है। तो क्योंकि वो पानी से ऊपर है, पानी के अंदर है लेकिन पानी से ऊपर है, चट्टान आप इसको देख सकते हो एक तरीके से, इसको सी माउंट भी यहाँ पर बोला जाता है। अभी जापान के अंदर हम देखते हैं एक नया आइलैंड बना था कुछ महीने पहले, कैसे बना था, एक ज्वालामुखी वहाँ पर फटती है और ज्वालामुखी के फटने की वजह से वो जो ज़मीन है वो ऊपर की तरफ आ गई। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे ज़मीन ऊपर की तरफ आ गई, क्योंकि क्या होता है, हमारी जो जमीन के नीचे सतह है वो पूरी के पूरी एक दूसरे से जुड़ी नहीं हुई है। हमारी जो जमीन है वो होती है प्लेट्स के ऊपर, जब ये प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आते हैं तो यहाँ का जो बीच का एरिया है वो ऊपर उठ जाता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसमें क्या होता है, खाइयां बन जाती है। तो ये जब दूर जा रहे हैं तो ये हिस्सा इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, जैसे कि मरीना ट्रेंच जो है पैसिफिक के अंदर, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। हिमालयाज जो है हमारे, वो एग्जाम्पल है यहाँ पर देख पाएंगे इंडियन प्लेट का और जो यूरेशियन प्लेट है उनके कोलिजन का। खैर, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे आइलैंड्स बनते हैं। इंडिया के लिए केवल भूभाग से ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इस आइलैंड की वजह से इंडिया को 3 लाख यहाँ पर नॉटिकल माइल्स की इकोनॉमिक जो एरिया है वो मिल जाता है ओशन के अंदर, तो इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर इंडिया जब चाहे किसी भी रिसोर्सेज को निकाल सकता है, तो इसी वजह से अंडर सी हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए मिनरल्स जो है वैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए। आइलैंड का पूरा जो सरफेस एरिया है वो फैला हुआ है 8,300 स्क्वेयर किलोमीटर के अंदर, लेकिन जो ये 3 लाख स्क्वेयर किलोमीटर है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तरह इंडिया को दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली इसके लिए और क्या स्ट्रेटजी है और इसको प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। आर्टिकल में हमें पता चलता है कि रेड सी के अंदर यहाँ पर लगातार हाउतीज के द्वारा, हाउती क्या है, एक ग्रुप है ईरान की तरफ से, जो कि इसराइल के साथ जो भी लोग खड़े हुए हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ पर पैलेस्टाइन जो पीपल है या गाजा के लोग जो है उनका साथ गलत हो रहा है, तो इसी वजह से वो जो इसराइल के साथ में खड़े हुए देश हैं उनके शिप्स पर लगातार अटैक कर रहे हैं। इसी वजह से शिप्स को अपना या तो प्रोजेक्ट डिले करने पड़ रहे हैं या फिर रास्ता बदल कर, जो हम देख पाएंगे अफ्रीका का यहाँ पर जो कैप ऑफ गुड हाउंड है उससे होते हुए जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा लंबा करके अपना रास्ता निकलना पड़ रहा है। इसी में से एक ऐसी जगह है इंडिया के पास जो कि है हम देख पाएंगे मलक्का स्ट्रेट। अब मलक्का स्ट्रेट किस किस के बीच में है, अंडमान के बीच में देख पाएंगे और नीचे यहाँ पर है श्रीलंका, तो इसके बीच में से जो चाहे शिप यहाँ पर होकर गुजर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ से भी आ सकते हैं। तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा कि वो इस जो पूरी की पूरी ये सिचुएशन है इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाए और लगभग 30% जो वर्ल्ड के ट्रेड होते हैं गुड्स के, वो इसको इस जगह से होकर भेजे जाएँ। तो हर साल लगभग ये जाता है, ये इससे और ज़्यादा ये बढ़ सकता है। इसी की वजह से हमारी होप है कि सिक्योरिटी इसकी की जाएगी, चेंज ऑफ शिपिंग डोमिनेंस इंडिया की तरफ से हो सकता है, जिसमें इंडिया का भी ऑब्वियसली यहाँ पर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अ बैटल टू सेव लद्दाख एंड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। लिखा गया है जानकी मुरली के द्वारा, जो कि जर्नलिस्ट है, ऑथर है। कहती हैं कि देखिए जो लद्दाख है उसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट को हम क्या है क्यों है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटेस्ट में हमें पता है कि प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है यहाँ पर सोनम वांगचुक के द्वारा, जिसके साथ में लद्दाख की और भी पॉपुलेशन बैठी हुई है। फिलहाल उन्होंने 21 दिन का आमरण अनशन किया था, भूख
उन्होंने किया था, आमरण तो नहीं कह सकते इसको, हंगर स्ट्राइक हम कह सकते हैं। और अब उन्होंने 21 दिन के बाद उस हंगर स्ट्राइक को तोड़ा, उसके बाद में ये स्ट्राइक अभी औरतों के द्वारा की जा रही है कंटिन्यू। इसके बाद में भी अगर गवर्नमेंट इनकी बातें नहीं सुनेगी तो जो ओल्ड यानी कि बूढ़े लोग हैं और साथ में जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर जो भूख की स्ट्राइक है उसको करेंगे, भूख हड़ताल को करेंगे, जारी रखेंगे। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है फिलहाल में। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा, ये सवाल तो आना बिल्कुल वाजिब है। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, तो उसको सोचने और समझने से पहले हमें दो तीन बातों का पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो लद्दाख है वो यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में आता है, तिब्बत के बीच में आता है, और ये लगभग 11,500 फीट की ऊँचाई के ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा है, लोगों के लिए रहना भी काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी वजह से 97% जो लोग हैं वो यहाँ के इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, जनजातियों के रूप में रहते हैं। लद्दाख को दुनिया का थर्ड पोल भी बोला जाता है। थर्ड पोल क्यों बोला जाएगा, क्योंकि एक है नॉर्थ पोल, दूसरा है साउथ पोल, इसी तरीके से अर्थ जो है वो बटी हुई है, बीच में आता है इक्वेटर। यहाँ पर बात की है कि लद्दाख भी एक्चुअली में क्योंकि ग्लेशियर से भरा हुआ है तो वो दुनिया का थर्ड पोल की तरह यहाँ पर काम करता है। और जब गर्मी के अंदर ये ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इन नदियों को अपना पानी देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी अच्छे से हो पाता है। अब इसी के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये चिंता लगातार यहाँ के लोगों को रह रह के सता रही है कि लद्दाख का क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके वजह से जो चेंजेस लद्दाख में होंगे वो बहुत अच्छे दिखाई नहीं देंगे। इसी वजह से सोमा वांगचुक की तरफ से यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स भी बनाए जा रहे हैं। ये क्या टेक्निक है, इसमें क्या किया जा रहा है, पानी को कोल्ड करके बार बार जमाया जा रहा है ताकि ग्लेशियर्स और बर्फ़ जो है आर्टिफिशियली बन सके और उसी का इस्तेमाल जब गर्मी हो तो तब किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करने के लिए भी यहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई। 2008 ही के अंदर 8 मिशन चलाए गए थे, सेंटर की तरफ से लॉन्च हुए, जिसमें से पहला जो मिशन था वो था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके अंडर एक मिशन चलाया जाता है जो कि जाना जाता है NMSC के नाम से। तो N से बनता है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, तो याद अच्छे से रख सकते हैं, यानी कि नेशनल मिशन और शी यहाँ पर याद रखेंगे, सस्टेनिंग फॉर हिमालयन इकोसिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको देती है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है सिस्टम की, हिमालयन के जो रीजन है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और उसकी वजह से जो उस पर असर हो रहा है उसको बचा के रखना, उसकी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ध्यान अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा। इसी वजह से लद्दाख के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, एक तो हमें, क्योंकि हम एक यूटी हैं, हमें स्टेट का दर्जा दीजिए, स्टेटहुड हमें दीजिए, और उसके बाद में हमें आप क्या करिए, शेड्यूल 6 के अंदर रखिए। अब शेड्यूल 6 क्या है, हम देख पाते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 12 शेड्यूल में बटा हुआ है, 25 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है, और 12 शेड्यूल्स में से 3 शेड्यूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शेड्यूल 5, 6 एंड 7। 7 शेड्यूल में यहाँ पर 3 लिस्ट है जो फेडरेशन के बारे में, फेड्यूलिज्म जो है उसके बारे में हमें बताती है, जिसके अंदर हम देख पाते हैं कि कैसे यूनियन, सेंटर और कॉन्करेंट लिस्ट को बांटा गया है। यहाँ पर शेड्यूल 5 और जो 6 है उसके अंदर, 5 के अंदर हम देखते हैं कि 11 स्टेट्स को रखा गया है और 6 के अंदर रखा गया 4 स्टेट को। 11 स्टेट्स में तो यहाँ पर आती हैं कर्नाटका, यूपी, मध्य प्रदेश और हम देख पाते हैं बिहार को, इसके अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश और हम देख पाते हैं तेलंगाना को। ये ऐसी स्टेट्स हैं। और जो शेड्यूल 6 है उसके अंदर हम देख पाएंगे यहाँ पर आसाम को, त्रिपुरा को, मणिपुर को और मेघालय को। तो ये 4 स्टेट है शेड्यूल 6 के अंदर। अब ये शेड्यूल 6 वाले जो स्टेट हैं वो पूरे के पूरे स्टेट यहाँ पर ट्राइबल स्टेट है, लेकिन जो शेड्यूल 5 की स्टेट है उनके अंदर इनको कुछ अलग से ऑब्वियसली यहाँ पर फ़ायदे मिले हुए हैं। शेड्यूल 6 की जो स्टेट्स हैं उनके अंदर आपको बिना परमिट के जाने की परमिशन नहीं होती है, वहाँ पर जाकर आप उनकी ज़मीन को नहीं खरीद सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे उनको मिले हुए हैं। उनका खुद का एक ट्राइबल मिनिस्टर भी होता है जिसका पूरा का पूरा काम है ट्राइब्स का ध्यान रखना। शेड्यूल 6 जो है
उसमें हमने अभी अभी देखा क्या है, शेड्यूल पाँच के अंदर जो हमने 11 स्टेट्स को देखा, उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, यानी पूरी स्टेट ट्राइबल नहीं है, हो सकता है मध्य प्रदेश की कोई एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ट्राइब्स बसी हुई है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को वो परमिट मिले हुए हैं। तो अभी क्या मांग की जा रही है लद्दाख की तरफ से कि हमको डाल दीजिए शेड्यूल छः के अंदर, ताकि हम अपनी जो यहाँ के जो लेजिस्लेटिव होंगे, जिनके हाथ में पावर आएगी, वो ज़्यादा अच्छे से अपनी जो पर्यावरण है और अपनी जो स्टेट है उसका ध्यान रख पाएंगे, ना कि कोई गवर्नर जो आते हैं जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, जब उनको नॉलेज होती है तब तक उनका जाने का समय हो जाता है। खैर, इसी के ऊपर यहाँ जानकी मुरली कहती हैं कि देखिए फ्रस्ट्रेशन बहुत है क्लाइमेट चेंज की वजह से, एक्टिविस्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो अलग अलग डिस्पाइट अपनी रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी डिलीजेंस दिखाना चाहिए, रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, सेफ्टी के मेजर्स करने चाहिए, जियोलॉजिकल और जो सिस्मिक एनालिसिस है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के नाम पर हम जो हिमालय है उसको यहाँ पर इतना फ्रेजाइल वो है, उसको नुकसान पहुँचाने की सोच भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से विकास के साथ साथ में संरक्षण को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये हम इंसानों की फिर से एक बहुत बड़ी भूल होगी जिसका बदला नेचर हमसे ऑब्वियसली लेगी। खैर, इसी आर्टिकल के साथ हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म होते हैं। आई होप आपने सेशन को यहाँ पर एंजॉय किया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा। आप कमेंट करेंगे, मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।